Vasudevaya. Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishthiki Om Ajnanat Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Shurunitam yena tasmai Shri Gurve Namaha Shri Caitanya Manobishtam Stapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Ruta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Nitam Tam Sajivam Sadavetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rubyascha Kripa Sindhu Vaevacha Pavitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna. Hare Krishna. तो आप सबको नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की बहुत शुभकामनाएं नरसिंह चतुर्थी महामहोत्सव की आप सबका हार्दिक स्वागत है मैं भक्तों से निवेदन करूंगा थोड़ा-थोड़ा आगे आ जाएं जो भक्त लोग बाहर बैठे हैं वो अंदर आ सकते हैं थोड़ी जगह बन जाएगी आप सबको उपवास भी रखना है फास्टिंग भी है बाहर धूप आएगी अभी तो अंदर आ सकते हैं स्पेस क्रिएट कीजिए प्लीज जो लोग बाहर बैठे हैं ना उस गेट से अंदर आ सकते हैं काफी जगह है पीछे और इस तरफ ही आगे हरे कृष्णा तो श्रीला प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम भगवान नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर भागवतम में तात्पर्य देकर इसका वर्णन किया है आज सुबह सुबह मंगल आरती में मैं सोच रहा था
क्योंकि प्रभुपाद के हम मैं संपर्क में ना आया होता तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था भगवान नरसिंह देव कौन है, थोड़ा बहुत सुना था बस। इतने महान हैं, इतने विघ्न विनाशक हैं और उनके शरण में जाके हम राधा कृष्ण के चरणों में भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन हम भगवान नरसिंह देव की कथा पे प्रहलाद महाराज के चरित्र में जो पिछले 3 दिन से कथा चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। भगवान के अवतार असंख्य हैं, अद्वैतम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, अनंत रूप है और उसमें से एक बड़ा अद्भुत रूप है नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, लेकिन पूरे भगवान भगवान में कमी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि रामचंद्र ज़्यादा पावरफुल होंगे या ये हैं, ये आधे नर हैं आधे सिंह हैं तो कुछ भगवत्ता कम तो नहीं हो गए, नहीं, आधे नर आधे सिंह लेकिन पूरे भगवान। और ये आते हैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। ये कथन आपने सुना होगा, एक प्रसंग है, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा आपके धर्म में बड़ी अजीब सी बात है, छोटी छोटी बातें भगवान अवतार ले लेते हैं, हमारे मजहब में तो ऐसा नहीं होता। तो बीरबल बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति था, वो अकबर को तुरंत जवाब नहीं देता था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाता था उसको, एक्सपीरियंस से सिखाता। तो उस समय तो वो चुप हो गया, ठीक है। अकबर जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, अकबर जी ने बड़ा जश्न मनाया, है ना, नौका विहार फेस्टिवल किया। तो वहाँ पे नौका, पानी के अंदर नौकाएं चल रही थी, संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे, अकबर पूरे बड़े सिंहासन पे बैठा था। बीरबल ने कहा ये अच्छा मौका है, उसने जो उसकी आया थी उसको एक कपड़े की डॉल बनाई, उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटा, उसको पकड़ा दिया, बोलो इसको ऐसे करना जैसे अकबर का बेटा, ठीक है। तो सब चल रहा है फर्स्ट क्लास, वो आया ऐसे कर रही है उस डॉल को लेके, अकबर बड़ा खुश है, यूँ करते करते उसने ज़ोर से ऐसा किया, वो नीचे पानी में गिर गए और अकबर ने दूर से देखा मेरा बेटा पानी में गिर गया, बचाओ मेरा बेटा, कह के भागा सिंघासन से, उड़ते पकड़ते बैठते, उसका मुकुट कहाँ गिर रहा है, वेशभूषाएँ किधर जा रही है, एकदम पानी में कूद पड़ा, पानी में कूदते ही उसको निकाला तो देखा अरे ये तो बढ़िया है। तो बीरबल ने कहा जहाँ पना क्या कर रहे हो, आपको क्या जरूरत थी, कितने आपके सैनिक है, किसी को भी भेज देते। अरे कहते मेरा बेटा था, मेरा उसकी रक्षा करते थे। तो बोले ऐसे ही भगवान अपनी संतान की रक्षा करने आते हैं, अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करने खुद आते हैं। भगवान चाहते तो भगवान के लिए क्या है, इन हिरण कश्यप में इतनी शक्ति थी कि उसकी भृगुटी हिलने से तीनों लोग हिल जाते थे, ठीक है, शक्ति कहाँ से आई, भगवान से आई। तो भगवान तो केवल सोचते ही मात्र हिरण कश्यप खत्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान के आने के कुछ अंतरंग कारण भी होते हैं। भगवान वैकुंठ में हैं, भगवान ने काफ़ी दिनों से सोचा कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फाइटिंग नहीं हुई, क्योंकि वैकुंठ में तो सब उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो भगवान मिस कर रहे थे कुछ फाइटिंग स्पिरिट, है ना। क्या किया जाए, अपने दो द्वारपालों को भेजा जाओ, नीचे जाके असुर बनो और मैं आता हूँ, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बढ़िया युद्ध करेंगे, और जो युद्ध होगा टॉप क्लास एक्शन मूवी होगी, ऐसा युद्ध हुआ नहीं होगा कभी, आप टॉप मोस्ट असुर बनना और मेरे से युद्ध, जैसे कि लगेगा क्या ये कुछ सेंसेशनल चीज़ है। तो इस ढंग से भगवान को अपनी उस इच्छा को पूरा किया और साथ ही साथ अपने भक्त की महिमा को स्थापना किया और भक्त अपने प्रहलाद को प्रहलाद दिया। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद प्रहलाद दाईने, प्रहलाद दाईने, प्रहलाद प्रहलाद दाईने। प्रहलाद क्या है, प्रहलाद हम सब जानते हैं, प्रहलाद का होता है खुशी आनंद, है ना, जैसे आह्लादनी शक्ति भगवान की, प्रहलाद प्रहलाद का मतलब है प्रकष्ट रूपेण आह्लाद, जो कि हमेशा ही बड़े आनंद में रहते थे। ऐसा भक्त जो हमेशा ही आनंद में रहते हैं उसको आह्लाद देने आए, क्या आनंद होगा क्या विशेष उद्देश्य होगा। और ये जो आह्लादनी शक्ति है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चैतन्य आदि लीला में लिखते हैं, आह्लादनी शक्ति करे कृष्ण आनंद आस्वादन। आह्लादनी शक्ति के दो कार्य होते हैं, इसके माध्यम से कृष्ण आनंद का आस्वादन करते हैं। आह्लादनी शक्ति द्वारा करे भक्तेर पोषण, और इसी आह्लादनी शक्ति द्वारा भक्त का पोषण करते हैं। पोषण दो प्रकार से हो सकता है, पोषण हमारे शरीर का भी पोषण और हमारी आत्मा का भी पोषण। शरीर का पोषण तो विष्णु करते हैं,
आहार निद्रा भय में तुमकी सुविधा विष्णु सब भौतिक जगत को पालन करना, लेकिन वास्तविक जो पोषण है वो आत्मा की खुराक, आत्मा की प्यास को बुझाना। और आत्मा की जो प्यास है वो है प्रेम, है ना। प्रेम को हम सब खोज रहे हैं। प्रेम कहाँ मिलेगा ये मालूम नहीं, तो उस प्रेम की खोज में हम क्या करते हैं, हरे बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रत्येक जीव जो इस मंदिर में है सौभाग्यशाली है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान की कथा से कर्मों में जा रही है, निश्चित रूप से इसका सौभाग्य है। प्रार्थना करें इसके लिए। तो प्रत्येक जीव अपने प्रेम की प्यास को बुझाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं प्यास कहाँ बुझेगी। तो हम समझते हैं कुछ बाहरी वस्तुओं को इकट्ठा कर लें, धन इकट्ठा कर लें, ऐश्वर्य इकट्ठा कर लें, इससे क्या होगा, जो इस संसार के लोग हैं वो मुझे प्रेम देंगे। इस संसार के लोग क्यों प्रेम देंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ है ना। अधिकांशतः लोग एक दूसरे को आदर और प्रेम इसलिए देते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ है ना। अधिकांशतः लोग तो इस संसार में ऐसे हैं, जब हमारे पास कोई पदवी होती है, कोई ऐश्वर्य होते हैं, तो लोग हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं। जब ये सब चीज़ें चली जाती हैं तो सारे मित्र दूर हो जाते हैं। जब व्यक्ति किसी हाई गवर्नमेंट पोस्ट पे होता है उसके आगे पीछे लोग घूम रहे होते हैं, है ना। और जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो कोई उसका नाम खाली लिखा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अधिकांशतः लोग इस प्रकार के हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं निकट के संबंधी मित्र कुछ जो कि आपसे प्रेम करते हैं जैसे आप हैं, ना कि आपके पास क्या है। लेकिन भगवान जो हमें प्रेम करते हैं, भगवान इसलिए प्रेम नहीं करते हमारे पास क्या है, भगवान इसलिए प्रेम नहीं करते थे हम क्या हैं, भगवान प्रेम करते हुए भगवान का ये स्वभाव है, बस भगवान से प्रेम करते हैं अनकंडीशनल। आहे तो भगवान का प्रेम के लिए अनकंडीशनल है। हम लोग भगवान के उस प्रेम का उसको उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी माया के जंजाल से जकड़े हुए हैं, है ना। हमारे दृष्टि अभी पूर्ण रूप ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कभी नहीं भूलते भगवान, हम उनको भूल गए हैं। तो आह्लादनी शक्ति के द्वारा एक जीव का कृष्ण से संबंध स्थापित होता है, उसको प्रेम प्राप्त होता है, उसको प्रेम से पोषण होता है, तो उसको वो आनंद प्राप्त होता है। तो प्रहलाद ऑलरेडी आनंद में थे, ऑलरेडी युधिष्ठिर महाराज के सभा में नारद मुनि गुणगान कर रहे हैं प्रहलाद महाराज का, और बोल रहे हैं कि प्रहलाद हुए तो असुर कुल में, लेकिन उनके इतने अद्भुत गुण हैं, कितने गुणों की मैं वर्णन करूं, है ना। गुणेर अलम असंख्येर महात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नाई सर्ग की रति। गुणम अलम असंख्य, क्या आवश्यकता है, जब इसमें असंख्य गुण है तो कैसे कोई इसका गुणगान कर सकता है। फिर भी एक महत्वपूर्ण गुण बता देता हूँ, क्या है, वासुदेवे भगवती यस्य नाई सर्ग की रति। वासुदेव में, वसुदेव के पुत्र कृष्ण में उनकी नए सर्ग की रति थी, स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस प्रेम था, है ना। अब कोई पूछ सकता है कि प्रहलाद महाराज तो नरसिंह भगवान जी के भक्त हैं, यहाँ आया वासुदेव भगवती, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की। तो वासुदेव भगवती है वो नरसिंह भगवान के भक्त, पांचवें स्कंद में वर्णन आता है कि हरिवंश में जम्मूद्वीप के अभी भी प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते रहते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं, प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के भक्त थे जो केशव या साक्षात कृष्ण हैं। अतः इस श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का यह अर्थ लेना चाहिए कि नरसिंह देव के प्रति प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। नरसिंह भगवान के प्रति अनुरक्ति थी, वास्तव में किसके प्रति थी, कृष्ण के प्रति। बोल रहे केशव धृता नरहरि रूप। तो ये नैसर्ग की रति, स्वाभाविक रति कैसे थी, तो कह रहे हैं नारद मुनि जी, निरस्त कीर्ण नाको बालो जड़वत मनवस्तया
Krishna graha grahitatma na veda jagadit idisham. बाल्य काल में भी प्रहलाद महाराज को खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, और सब कुछ परित्याग करके कृष्ण भावनामृत में हमेशा लीन रहते थे। कैसे लीन रहते थे? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, जैसे उसको कृष्ण के ग्रह ने पकड़ लिया है ना। इस संसार में किसी कोई राहु का ग्रह पकड़ लेता है, किसी का शनि का ग्रह पकड़ लेता है, बेचारा जो काम धंधा शुरू करता है सब ठप हो जाता है ना? हर जगह अशुभ ही अशुभ, शनि चल रहा है उसका। लेकिन प्रहलाद महाराज को किसने पकड़ लिया? कृष्ण ग्रह ने। अब कृष्ण ग्रह को पकड़ने से क्या हुआ उनकी हालत? अब उनको लगता है कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, और जड़वत हो गए इस संसार के लिए, बिल्कुल मूक, इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं। और क्या लग रहा है उनको? हैरानी हो रही है कि ये संसार में ऐसे लोग जो भक्त नहीं है कैसे रह सकते हैं? बिना भक्ति के कोई रह सकता है? इस संसार कैसे चल रहा है बिना भक्ति के, है ना? जैसे हम लोग भक्ति शुरू करते हैं, चाय वगैरह छोड़ते हैं, तो लोग बोलते हैं क्या है यार, ये कोई जीना है। शुरू शुरू में चाय वगैरह छोड़ी तो अपने मित्र के पास गए गीता स्पॉन्सर कराने के लिए, वो मदिरा पान की पक कर रहा था, लाओ भाई इनके लिए ना भैया। अच्छा अला भाई थम्सअप क्या चाय मैं चाय, अरे यार कुछ नहीं पीते, ये जीना भी कोई जीना है? तो मैंने उनकी तरफ देख बोला कि ये जीना भी कोई जीना है? तो प्रहलाद महाराज ये सोचते हैं कि भक्ति के बिना कैसे कोई संसार में रह सकता है, क्योंकि क्या हो गया, कृष्ण ग्रह से ग्रसित थे, है ना। आज के दिन हम प्रार्थना करें कि हमें भी कृष्ण ग्रह पकड़ ले, देख लो। हाँ ताली बजाने से नहीं मिले। हो गए रहे ना रूप गोस्वामी जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका संसार ना छूटे, काम धंधा चलते रहे, रिश्तेदारों से प्रेम बना रहे, तो एक काम मत करना, क्या? यमुना के तट पे वंशी पट पे एक गोविंद खड़ा है, उसके दर्शन मत कर लेना कभी। और आज के दिन कभी पंजाबी बाग में, वेस्ट पंजाबी बाग में, शिला प्रभुपाद बाग में आके राधा राधिका रमन जी के दर्शन मत कर लेना। तो कृष्ण ग्रह पकड़ लेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साधना भक्ति को अच्छे ढंग से पालन करना पड़ेगा। उद्देश्य यही है हमारा कि जड़वत हो जाए, पागल हो जाए इस संसार में। वैसे भी लोग पागल हैं, है ना, भक्त लोग अभक्तों को पागल समझते हैं, अभक्त लोग भक्तों को पागल समझते हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था अमेरिका में, हु इज क्रेजी, ये निर्धारित करें पागल कौन है। तो शास्त्रों के अनुसार कौन पागल है? भगवान करें जो मेरी शरण में नहीं आया वो मूर्ख है। तो कृष्ण ग्रह से ग्रसित थे और वो हैरान थे कि ये संसार कैसे चल रहा है। और कैसे ग्रसित थे? आसीन पर्यटन अशन शयान प्रपि प्रपिबन भ्रुवन नानुसंधत एतानि गोविंद परिमबता। उनको ऐसा लगता था गोविंद परिमबता, गोविंद हमेशा उनके आलिंगन किए हुए हैं, जैसे एक बच्चे का आलिंगन माँ करके घूमती है, तो गोविंद ने आलिंगन किया हुआ है, तो बच्चे का माँ ने आलिंगन किया हुआ है, तो बच्चे के लिए बोलना सुनना खाना पीना ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको पता ही नहीं कैसे हो रहा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज के लिए बैठना चलना खाना सोना बोलना पता नहीं कैसे हो रहा था, बिना प्रयास के ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्यों? गोविंद से वो आलिंगित थे, गोविंद ने आलिंगन किया हुआ है। फिर क्या करते थे? कभी वो क्वचित रुदती वैकुंठ चिंता, भगवान का चिंतन करते हुए, कृष्ण का चिंतन करते हुए कभी वो रोते थे, और कभी क्या करते थे? क्वचित हंसती, कभी हंसते थे। तद चिंता अहलात उद्गायती क्वचित, और कभी कभी क्या करते थे? उच्च स्वर से गाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी क्या करते थे? नदती क्वचित उत्कंठो, कभी कभी बैठे बैठे छोटे बालक की जोर से पुकारते थे ओ कृष्णा अचानक, और फिर कभी विलजो नृत्यति क्वचित, कभी बिल्कुल लज्जा छोड़ के नाचना शुरू कर देते थे, और कभी क्या करते थे? क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो अनुचकार, पूर्ण रूप से भावना में युक्त होकर कृष्ण की लीला का अनुकरण करते थे। ये छोटे बच्चे की ये हालत है, जिसको कृष्ण ग्रह पकड़ जाएगा उसके लक्षण बता रहे हैं। फिर क्या करते थे? कभी कभी वो अनुभव करते थे कि भगवान के कर कमल के, भगवान के सुंदर कमल जैसे हाथों का स्पर्श, और ये करते ही पूरे के पूरे उनमें आध्यात्मिक प्रसन्नता हो जाती थी, मौन होकर बैठ जाते थे,
शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे और भगवान के प्रेम के कारण उनके अर्ध निमृत नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने शुरू हो जाते थे। ये प्रहलाद है, ऑलरेडी एक्सटेसी में है। ऐसा प्रहलाद जो ऑलरेडी एक्सटेसी में है, उसको और एक्सटेसी देने आया कौन? नरसिंह भगवान। तो आप सोचिए क्या डीलिंग्स होंगी प्रहलाद महाराज की और नरसिंह भगवान की, है ना? क्या होता होगा, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा अद्भुत प्रेम हमने अभी अनुभव भी नहीं किया। तो जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, प्रहलाद महाराज को तरह तरह से प्रताड़ित किया गया हिरण्यकश्यपु के द्वारा, और उसके बाद भी प्रहलाद महाराज में इतना साहस था कि अपने सहपाठियों को उन्होंने बहुत सुंदर शिक्षाएं दी, बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरी शिक्षा। याद है कल कौन कौन भक्त थे, कौन सी शिक्षाएं थी, पहली शिक्षा कौन सी थी? कि भक्ति जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है, मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे मनुष्य जीवन में समय नहीं गंवाना। दूसरा क्या था? हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, भक्ति में हमेशा केंद्रित रहें, है ना? कि हमें अच्छा भक्त बनना है इसी जीवन में, है ना? कृष्ण ग्रह से ग्रहित होना है इसी जीवन में, है ना? महात्मा गांधी कहा करते थे, बी वॉट यू वॉन्ट टू बी। आप जो बनना चाहते हैं वैसे एक्टिंग करना शुरू कर दो। तो हम भक्ति में कहाँ तक बढ़ना चाहते हैं वैसी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यही डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस है। उच्च कोटि की भक्ति करनी है, उच्च कोटि की भक्ति की प्रैक्टिस शुरू कर दो। जैसे हम अपने ऑफिस में थे तो एक युवक ने ज्वाइन किया, 21 साल का लड़का था, प्रमोशन हुआ, लेबर से क्लर्क बन गया। फिर भी ऑफिसर्स के साथ उनको ऑब्जर्व करता था, उनका मूड देखता था, क्या मूड है क्या है, और क्या हुआ 6-7 साल के बाद वो ऑफिसर बन गया और प्रमोशन ले गया। तो भौतिक जीवन में तो खैर अपने कर्म फल होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन पूरा कृपा पर निर्भर है और आसान है। तो क्या करें, जिस तरह क्या हम ये जब लीलाओं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, हमारे में इच्छा उत्पन्न हो, एस्पिरेशन हो, हाँ कब मैं ऐसे एकदम भगवान के भक्ति में लीन हो जाऊँगा, इस संसार के उतार चढ़ाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे क्या होगा, हम इस संसार के द्वंद से ऊपर उठते जाएंगे। तो ये था दूसरा। तीसरा क्या है? परिवार के संबंध, ये सब क्या है, भ्रमित करने वाले हैं, हमें लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि परिवार को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन परिवार को भी कृष्णा कॉन्शियस तरीके से इसका पालन पोषण। और चौथा क्या था? भगवान की सेवा में जुड़े, क्योंकि भगवान की सेवा करके हमें जो लाभ प्राप्त होगा, इस संसार के किसी भी जीव की सेवा करके वो लाभ नहीं मिल सकता, किसी भी जीव को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। पांचवा क्या है? भगवान को संतुष्ट करें। कैसे संतुष्ट करें? क्या बताया था? सभी जीवों के सुहृद बन के उनका प्रचार करें। और छठा क्या था? भक्त के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, सब कुछ भक्त को प्राप्त हो जाता है, चाहे भौतिक हो आध्यात्मिक हो, भक्त को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, तो कोई चिंता की बात नहीं। और सातवां क्या था? ये सारा ज्ञान प्राप्त होता है भक्तों की कृपा से। तो इतना सुंदर जब ज्ञान दिया तो उनके सहपाठी ने पूछा, इतना गहरा ज्ञान कहाँ से आया आपको? उन्होंने बताया, मैं जब मेरी माँ जब गर्भवती थी कयाधु, और पिताजी गए हुए थे मंदार पर्वत पे तपस्या करने के लिए, तो सारे देवताओं को लगा अब तो हिरण्यकश्यपु है नहीं, तो उन्होंने उत्पात मचा दिया, अब सारे असुर उधर भागने लगे, और इंद्र ने कयाधु का अपहरण करके अपने लोक में ले जा रहा था, और तब नारद मुनि वहाँ पर आए और उन्होंने बोला, कहाँ ले जा रहे हो उसको? उन्होंने बोला, इसके घर में एक असुर का पुत्र है, जब वो पैदा हुआ उसका हम उसका वध कर देंगे, नहीं तो वो अलग एक और हिरण्यकश्यपु हो जाएगा। नारद मुनि ने कहा, नहीं, ये जो पुत्र है एक बहुत बड़ा भक्त होगा, महाभागवत होगा। ये कहते ही इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और उसकी परिक्रमा की, और कयाधु को नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए। कयाधु बड़ी चिंतित रहती थी, कब मेरे पति आएंगे, मेरी सुरक्षा कैसे होगी, लेकिन नारद मुनि ने कहा, ये महाजन है इनके पेट में, और उनको पूरी भागवतम सुनाई, और प्रहलाद महाराज ने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, हालांकि वो माँ के गर्भ में थे, यानी कि भक्ति किसी भी परिस्थिति में की जाती है, और कयाधु भी सुन रही थी, लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कयाधु एक स्त्री थी, बहुत चिंता में रहती थी, सुना तो लेकिन कुछ याद नहीं रहा।
वहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो लोग जो है बहुत भौतिकता में आसक्त होते हैं उनमें ज्ञान टिकता नहीं है ना। और प्रहलाद महाराज पूरा सुन रहे थे ध्यान से, जो सुना वो उन्होंने अपने सहपाठियों को सुनाया। माँ के गर्भ में इतना गहरा ज्ञान सुन के उस पर पूरा आचरण शुरू कर दिया। देखिए भक्ति क्या कृपा होती है, हमारे हृदय में ज्ञान टिके इसमें श्रोता की सिंसेरिटी और वक्ता की कृपा है ना, ये दोनों काम करती है। जितना सिंसियर हो, क्योंकि उनकी कृपा के बिना, आचार्यों की कृपा के बिना, जिनका हम संदेश दोहरा रहे हैं उनकी कृपा के बिना ज्ञान टिकेगा नहीं। तो नारद मुनि की कृपा थी, प्रहलाद महाराज के हृदय में ज्ञान टिका और ये ज्ञान उन्होंने दिया। तो जब ये ज्ञान उन्होंने लिया, आप सोचिए प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त का संग असुर के पुत्रों को प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो गया उनके जीवन में, तो उथल पुथल मच गई। उन्हें बोला ये अंडो शमरक ने अभी तक जो पढ़ाया सब बेकार है ना, ये तो बिल्कुल गलत पढ़ाया इन्होंने। वो तो भक्ति में फटाफट आगे बढ़ने लगे, सारे नियम पालन करना शुरू कर दिए, प्यार लहसुन वगैरह सब छोड़ दिया, सब कृष्ण कृष्ण हो रहा है क्लास में। तो शनो रमरक तो पागल हो गए, क्या हो रहा है ना। वो कहते होंगे क्लास में ओम नमो हिरण्यकश्यपाय नमः, और ये स्टूडेंट बोलते ओ नमो नारायणाय नमः। अरे क्या हो गया, नारायण को याद कर रहे हैं हिरण्यकश्यप को भूल के। तो बेचारे घबरा गए, भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, तो किसके पास गए, हिरण्यकश्यप के पास गए। हिरण्यकश्यप को बताया कि प्रहलाद के कारण देखो क्या हो गया, सारे के सारे जो असुरों के पुत्र हैं वो भक्त बन रहे हैं, विष्णु के भक्त बन रहे हैं। जब हिरण्यकश्यप ने ये सुना तो सारी स्थिति को समझ गया, उसको इतना गुस्सा आया, उसका गुस्से से शरीर कांपने लगा जैसे कोई सांप को पांव से कुचल देता है, और फुफकारने लगा। वो बोला इसकी ऐसी औकात, ऐसी दुस्साहस। उसने प्रहलाद को बुलाया और प्रहलाद उसके सामने बहुत ही शीलता के साथ, सहनशीलता के साथ, बहुत ही भद्र सज्जन बालक छोटे से खड़े हाथ जोड़कर। और हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आ रहा है, क्रोध में वो कांप रहा है और बड़े भ्रिकुटी को हिलाकर तिरछी आंखों से क्रोध करते हुए कटु शब्दों में उसने उसको कटु कटु शब्द कहे। क्या बोला, हे दुर्मनीत, हे उद्दंड बालक, निपट दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले नीच, जो गालियां आती थी उसने दी। क्या सोचो, पूरा संसार उससे डरता है और ये 5 साल का बालक चुपचाप आगे खड़ा है ना, और शांति में खड़ा है, डर नहीं रहा, तो कितना गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आ रहा है। बोला हे दुर्मिनीत, तो विश्वनाथ ठाकुर जी बहुत एक्सपर्टली एक एक शब्द को बताते हैं कि हालांकि वो गाली दे रहा है लेकिन विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं नहीं, गाली नहीं दे रहे, गुणगान कर रहे हैं। बोले दुर्मिनीत, बोले दुर्मिनीत का क्या अर्थ है, दुर्मिनीत का वैसे अर्थ है कि बेशरम। बोले बोले नहीं, बेशरम नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, दू वी नीत, दू मतलब ये संसार दुखालय है ना, वी मतलब विशेष ना, नीत मतलब भेजा गया, मतलब कि हे बालक तुम्हें विशेष कर भेजा गया इस दुखाले संसार में हम सबका उद्धार करने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं। फिर आगे बोला मंद आत्मना, अरे मूर्ख, तो ये बोल रहे हैं मंद आत्मना का अर्थ है कि जितने भी मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो माया भूत माया के प्रति वशीभूत हैं, उनका क्या करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले है ना, मंद आत्मना, मंद लोगों की आत्मा हो आप उनका मार्गदर्शन करने वाले। अच्छा फिर आगे बोला कुल भेद कर अधम, तुमने परिवार को फोड़ दिया, कुल का भेद कर दिया, अधम है नीच, करे नहीं, कुल भेद कर अधम, यानी कि इन्होंने ऐसा प्रचार किया किसी कुल में कोई भेद नहीं किया, कोई अधम कुल का हो अच्छे कुल का हो किसी कुल में कोई भेद नहीं, सबका उद्धार किया, कितना गुणगान कर रहे हैं। फिर बोले स्तब्धम, स्तब्धम का अर्थ है अत्यंत हठी, हाँ ये हठी है क्योंकि ये प्रचारक है, भक्त है, असुरों की बात नहीं सुनते, हठी रहते हैं। और फिर क्या बोला, मत शासनम उद्वतम, मेरे शासन का तुमने उल्लंघन किया। बोले हाँ, असुर पिता के शासन का उसने उल्लंघन किया, ये तो उसका साहस है। और फिर बोला यम क्षयम, यम क्षयम ये था कि अब मैं तुम्हें यम के पास भेजता हूँ, लेकिन विश्वाचार्य ठाकुर जी कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप कह रहे हैं यम क्षयम, तुम मेरे लिए यम का क्षय कर दोगे, यानी कि तुम मेरा उद्धार कर दोगे। तो इस प्रकार से
उनको गालियां दी उसने। अब वो क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयोलोक सहेश्वरा तस्य मे अभिवित वन मूढ़ा शासनम किम बलोत्यगा। बोले अरे दुष्ट, तू मेरे गुस्से को नहीं जानता है ना, मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ, मेरे गुस्से से सब कांपते हैं और तू चुपचाप खड़ा है, किसकी बैकिंग है, किसका बल है पीछे, बताओ है ना। एक छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़े पहलवान के सामने उसको चिढ़ाए ऐसे, और पहलवान को गुस्सा हो रहा है फिर भी उसको चिढ़ाता रहे, चुपचाप खड़ा रहे, तो कितना गुस्सा आएगा। बोले इसके पीछे कोई बड़ा पहलवान होगा तभी इसकी इतनी हिम्मत है। तो क्यों, कहाँ से बल आ रहा है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इतना निर्भीक कैसे हो सकता है ना। प्रहलाद तो बड़े शांत खड़े हुए हैं। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा, अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे मौका मिल रहा है प्रचार करने का कि ये बल कहाँ से आ रहा है। सर प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद उवाच, ना केवलम मैं भवतश्च राजन सावै बलम बलिनाम चा परेशान परे अपरे अमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। बोले हे राजन, ना केवलम मैं, केवल मेरा ही बल नहीं है, भवतश्च राजन आपका भी बल है, सावै बलम बलिनाम च परेशान और ये क्या है, सभी का बल है, अन्यों का भी बल है, परे अवरे जो कि सम्मान्य है, स्थिर जंगमा सबका, ब्रह्मा आदि जो ब्रह्मा जी ने आपको बल दिया उसके भी ये बल है, तो सबके बल के ये स्तोत्र हैं और वो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल द्वारा सब नियंत्रित है। तो ये कहने के बाद बोले वो कौन है, बोले सा ईश्वरा, वो ईश्वर हैं, वो काल है, वो तीनों गुणों के स्वामी हैं, वही सृजन करते हैं, वही पालन करते हैं, वही संगार करते हैं, उन्हीं से हमारे इंद्रियों में शरीर में मन में बल आता है, वही सब कारणों के कारण हैं, वो हैं परम ईश्वर। जब ऐसे बोला और अभी यहीं पे नहीं रुके, आगे थोड़ा और प्रचार किया, बोल रहे हैं अपनी राय देनी शुरू की, क्या बोला, जहामी असुरम भावम एवं तुम आत्मना समम मनोधस्तु ना संति विदिशा। के पिताजी जहामी, आप असुर भाव को छोड़ दीजिए है ना, और ये सोचना संति विदिशा कि कोई मेरा मित्र है कोई मेरा शत्रु है, समभाव हो जाइए, कोई आपका मित्र शत्रु ऐसा नहीं है। ऋते जिदात आत्मना उत्पते स्थितात, आपका जो अनियंत्रित मन और इंद्रियां हैं इसके अलावा और कोई शत्रु नहीं है आपका ना, और जब तक आप तद्विह अनंत से महत समहरणम, जब तक आप संभाव नहीं होंगे तब तक उस अनंत की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। कितना सुंदर प्रचार कर रहे हैं है? कि आप ये आश्री भाव को छोड़िए, कोई भी शत्रु नहीं है आपका, शत्रु क्या है, कौन शत्रु है, आपकी अनियंत्रित मन और इंद्रियां, और जब तक आप संभाव नहीं होंगे तो उस जो परम बलवान है उसकी शरण में नहीं जा सकते, तो आपको बल कैसे प्राप्त होगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप उनकी शरण में जाइए। और साथ में क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, बुरा मत मानना, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा पूर्व में भी आप जैसे बड़े मूर्ख हुए हैं जिन्होंने दसों दिशाओं को तो जीत लिया लेकिन इन असली शत्रुओं को नहीं जीता, और ये शत्रु क्या करते हैं, आपका सब कुछ हार लेते हैं, इसको मूर्ख व्यक्ति कहेंगे। तो कौन शत्रु है, ये केवल अज्ञानता है, अज्ञानता वश हम किसी को शत्रु मान लेते हैं, तो कोई शत्रु नहीं है। आप जैसे पहले भी बड़े से मूर्ख लोग हुए हैं, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप क्या करें, इन छह शत्रुओं पे पहले विजय प्राप्त कीजिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कृष्णा भाना भावित नहीं है तो उसको लगता है कि सारा संसार मेरा शत्रु है ना, पूरा संसार उसको बड़ा होस्टाइल दिखता है ना। और इस ओरिनेस भक्ति थी स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हम कितने विनम्र स्थिति में, तो बोले जो कृष्ण भाना भावित नहीं है उसको तो हर कोई शत्रु दिखाई देता है, उस ना के प्रचार करें तो क्या बोलेंगे, हम मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वही बोला हिरण्यकश्यपु ने। बोले क्या समझते हो तुम समझते हो कि तुम मेरे से ज़्यादा इंद्रिय संयमी हो, भूल गए मैंने कितने हजारों साल तपस्या की मंदार पर्वत पे, तो तुम अब तुम मेरे से ज़्यादा, 5 साल का बच्चा नहीं हो, मुझे कह रहा है कि इंद्र संयम करो, मुझे सिखा रहे हो। और ऐसा भी क्या है कि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से क्या होता है, वो और क्रोध हो जाता है, तो बड़ा उसका क्रोध बढ़ गया, देखो इसकी हिम्मत देखो, मेरे को उपदेश दे रहा है कि मेरी इंद्रियाँ संयम में नहीं है। बोले अच्छा, और ये बोल रहे हैं कि
अब तो ऐसी जो उठपटांग बातें कर रहे हो इसका मतलब अब तुम्हारी मौत आ गई, मरना चाहते हो तुम, अपनी मौत को पुकार रहे हो ऐसी उल्टी पुल्टी बात करके, हैं तो अभी तुम्हें मारता हूँ, ये मरने के लक्षण मेरे को सिखा रहे हो कि इंद्रियों का संयम करो, यानी कि तुम मुझसे ज़्यादा महान हो। ये बात कह के उन्हें क्या कहा, उसने बोला हे अभागे प्रहलाद, दया आ गई थोड़ी सी, तो कितना अभागा है, मैंने सारे लोगों को जीता और तू मेरा बेटा है, अगर मेरे तू अधीन रहता, मेरी पूजा करता, सब कुछ तेरा था, क्यों मूर्खता कर रहे हो, है ना। अभागे, और कहा कि मेरे अतिरिक्त किस परम पुरुष का वर्णन किया है, और अगर वो सर्वत्र है तो क्या ये मेरे सामने जो खंभा है इसमें भी है। अरे तुम बोल रहे हो कि एक परम शक्ति है जो सबको शक्ति देता है, वो सर्वत्र है, सर्वत्र है तो इस खंभे में है क्या, बोलो। तो जितने असुर भाव के लोग होते हैं उनका यही प्रश्न होता है, कहाँ है भगवान, दिखाओ। बड़े भगवान सेंटिमेंटल लोग, भगवान है भगवान, क्या है भगवान है, दिखाओ किधर है भगवान। अभागा कहीं का, पता नहीं किन चक्रों में फंस गया, ब्रेन वॉश हो गया तेरा, भगवान है। तो उसको गुस्सा आ रहा है, पूरा विश्वास है अभी तक पूरा विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ही परम शक्तिशाली हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज उसके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये क्या है लड़का ये। इससे पहले भी जब उन्होंने प्रहलाद को तरह तरह के मरवाने के उपाय किए और प्रहलाद मर नहीं रहा था, तो हिरण्यकश्यप अपने आप से कह रहा था ये लड़का है क्या, ये तो बिल्कुल अमर दिखता है, और क्योंकि मैं इससे शत्रुता कर रहा हूँ लगता है एक दिन मुझे ही मरना पड़ेगा। फिर भी उसका अहंकार अभी कम नहीं हो रहा, तो बोले दिखाओ कहाँ पे है। अब क्योंकि तुम इतना अधिक अभी लगातार प्रलाप कर रहे हो, अब मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग करता हूँ, अब देखता हूँ कौन सा तुम्हारा आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा करता है, अब मजा आएगा। आएगा तुम्हारा अगर ईश्वर है और इसी खंभे में है तो देखता हूँ रक्षा करता है कि नहीं करता, ये रही तलवार, अभी तेरा सिर अलग करता हूँ। तो ऐसा कह के बड़े क्रोध के साथ वो जो हिरण्यकश्यपु था अपने बच्चे को प्रहलाद को तरह तरह के कटु वचन देते हुए, अपशब्द करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए, तलवार को हिलाते हुए अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और अत्यंत क्रोध के साथ उसने स्तंभ पर मुष्टि से प्रहार किया, है ना। स्तंभम तड़ाड़ तबिला स्व मुष्टिना, इतनी शक्ति थी उसमें, कोई मार सकता है खम्भे पे मुष्टि। पूरी मुष्टि मारी उसने, कहाँ है तेरा भगवान दिखे, उसको तलवार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, बोले क्या है खम्भा तो ऐसे ही मार दूंगा, तो मुष्टि से पूरे खम्भे को तोड़ दिया। अब उसको मालूम नहीं अंदर से क्या होने वाला है, और अब देखिए क्या होगा। तदैव तस्मिन् नदोति भीष्णो बभूव येनांड कटाम स्फुटत यावै स्वधीष्णं युपगतं त्वजाद्य श्रुत्वा स्वधात्मायमंगमे नीरे। तब उस खम्भे से एक भयावह आवाज आई जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण होता प्रतीत हुआ, ऐसा लगा पूरा ब्रह्मांड फट गया, कोई निकाल सकता है आवाज ऐसी, पूरा ब्रह्मांड फट गया। हे युधिष्ठिर, यह आवाज ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के निवासियों तक पहुंच गई, और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा ओ अब हमारे लोगों का विनाश होने जा रहा है, सारे के सारे ऊपर के लोग हिल गए, उनको लगा तो सब कोई विनाश होने जा रहा है, इतनी भयंकर आवाज। और अपने ही पुत्र को मारने के इच्छुक हिरण्यकश्यप ने जो अपना अद्वितीय शौर्य दिखला रहा था, एक पूरी इस घोर ध्वनि को सुनकर हिरण्यकश्यप और सारे के सारे असुर बड़े भयभीत हो गए और देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, है ना, बड़े परेशान थे इतनी आवाज़। और तभी क्या हुआ, तब नारद मुनि जी ये श्लोक बोलते हैं, हमारे पीछे बोलिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्य अत्याद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यम सच विदधातुम सिद्ध करने के लिए निज भृत्य भाषितम अपने दास के ही शब्दों को, कौन से दास के, प्रहलाद महाराज के, क्या कहा था प्रहलाद महाराज ने, इस खंभे में है व्याप्तिम उपस्थिति च
तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्य दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप को उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर ना नहीं मृगम पशु ना तो मानुष्यम मनुष्य सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम अपने भक्त की भाषा को सत्य करने के लिए व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना जो कि सब भूतों के अंदर स्थित हैं सब जीवों में स्थित हैं अदृश्यतः अति अत्यंत अद्भुत रूपम बहुत ही अद्भुत रूप में दिखाई दिए। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से क्या वो इस खंभे में हैं तो प्रहलाद महाराज को पूरा कॉन्फिडेंस था। प्रहलाद महाराज विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे उनको दिखाई दे रहे थे भगवान खंभे में बोले हैं वे कॉन्फिडेंस देख के हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया कि कैसा बालक है उद्दंड बालक है अभी भी नहीं डर रहा ना? लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई डर ही नहीं देख रहे थे हाँ सामने भगवान हैं मेरी रक्षा करेंगे और जब उन्होंने मुष्टि से उसको फोड़ा तो कौन प्रकट हुए नरसिंह देव भगवान की आधे नर और आधे सिंह और जोर से आवाज भयंकर आवाज करते हुए तो सत्यम विधातुम अपने भक्ति वाणी को सत्य साबित करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने भी गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम घोषणा करो कौन ते प्रति जान नहीं नाम ही भक्ता पुनश्चित क्योंकि मैं तो अपने वचन देके मुकर जाता हूँ कई बारी मुझे मुकरना पड़ता है भक्त वत्सलता के कारण लेकिन तुमने कहा एक बारी तो उसको तो मैं सत्य साबित करूँगा ही करूँगा। श्रीला प्रभुपाद जब मुंबई में थे और बहुत संघर्ष कर रहे थे तो उन्होंने देखा जुहू की लैंड बिल्कुल खाली पड़ी थी उस समय श्रीमती मोरार जी के पास जाते थे तो वहीं रहती थी वो तो उनके मन में विचार आया हे कृष्ण आपके लिए यहाँ मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। बस इतने साल पहले विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी को ये विचार आया था और क्या किया भगवान ने सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषिता आपने कहा कि मंदिर यहाँ बनना है तो आज जुहू का मंदिर आज प्रकट हुआ है श्री प्रभुपाद की। इस ढंग से भगवान अपने भक्तों की वाणी को सत्य साबित करते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद प्रपण में लिख रहे हैं कि भगवान ने और किन किन भक्तों की वाणी सत्य साबित की इस प्रसंग में ब्रह्मा जी की तो हिरण्यकश्यप को क्या वरदान दिया था उन्होंने कि ना मनुष्य द्वारा माने जाओगे ना पशु तो इसलिए नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। और किसी भक्त की वाणी सत्य साबित की है नारद मुनि कब बोला था क्या बोला था नारद मुनि ने इंद्र को बोला था कि कयाधु के गर्भ में जो पुत्र है इसका तुम कभी वध नहीं कर पाओगे और कयाधु को ही बोला था मैं इसकी रक्षा करूंगा तो क्या हुआ नारद मुनि की वाणी को सत्य करना। तो प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य साबित करने के लिए ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य साबित करने के लिए और नारद मुनि जी की वाणी को एक और भक्त की वाणी को सत्य साबित किया है चार कुमार ने क्या बोला था हाँ भगवान चार कौनों में बोला था कि भगवान प्रकट होकर आपका उद्धार करेंगे गुड इसका मुझे ध्यान दें एक और भक्त थे जय विजय ने हिरण्यकश्यप ने खुद बोला था ये तो अमर लग रहा है मैं इसे शत्रुता करता हूँ लगता है मुझे मरना पड़ेगा भगवान ने बोला बोल दिया आप तो वाणी सत्य करनी पड़ेगी तो भगवान ने किया है क्या हाँ यस वेरी गुड तीसरे स्कंद में कश्यप मुनि ने भी दिति को बोला था कि जब ये ब्राह्मणों को परेशान करेगा आपका बालक तो भगवान आकर इसका वध करेंगे हरी हरी वो भक्तों के संग कितने भक्त हो गए फिर प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी नारद जी चार कुमार हिरण्यकश्यपु और कश्यप मुनि वाह छह भक्तों की वाणी को सत्य साबित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और इस प्रकार से स्तंभे सभायाम ना मृगम न मानुषम। और जब वो देख रहे थे हिरण्यकश्यप को बड़ा अद्भुत प्राणी कैसा है ये आधा मनुष्य आधा सिंह ऐसा कब कभी देखा नहीं ऐसा रूप जैसे कि विदेशों में जब
हमारे भक्तों के ऊपर ब्रेन वॉशिंग का केस करते थे लोग, तो अपोजिट पार्टी ने जज के सामने नरसिंह भगवान की फोटो रख दी और ये लोग देखो क्या मेंटेलिटी है इनकी, ऐसी की पूजा करते हैं ये, इसको भगवान मानते हैं, ये फिगर कोई समझ आ रही क्या है ये? तो आप देखिए इनका मेंटल लेवल देखिए, और ऐसे ब्रेन वॉश करते हैं, देखिए किसकी पूजा करते हैं तो वास्तव में अद्भुत रूप है, ना मनुष्य है ना पशु हैं। और हिरण्यकश्यप ने पूरा ऊपर से नीचे देखा, है क्या ये? तो उसका वर्णन किया जा रहा है, हिरण्यकश्यप ने अपने समक्ष खड़े नरसिंह देव के रूप का निश्चय करने के लिए भगवान के रूप को ध्यान से देखा। उनके क्रोध आंखों के कारण जो पिघले स्वर्ण से मिलती थी, वह रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। आंखें कैसी थी देखिए, हम सब तो वहाँ पे सीन में नहीं है, और जो हमारे यहाँ विग्रह भी होंगे शाम को इतने छोटे से होंगे, आपको रूप दिखाई नहीं देगा, तो बड़ी मदद मिलेगी इसका ध्यान करें, ठीक है? तो आंखें कैसी हैं? क्रुद्ध। और कैसे लग रही हैं? पिघले स्वर्ण से मिलती थी, और इसके कारण रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनके चमकीले गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे, है ना? नरसिंह भगवान जी की दाढ़ी है, चमकीली है, और उनके मुखमंडल को और भयानक बना रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे, उनके उस्तरे जैसी तीक्ष्ण जीव तलवार के समान इधर उधर चल रहे थे। उनके कान खड़े और स्थिर थे, उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहा था। नथुने और मुख कैसे लग रहे थे? कोई पर्वत की गुफा हो। उनके जबड़े पिघले सोने के समान। उसके बाद क्या वर्णन आया था? दाढ़ी के बाल कैसे थे? चमकीले। उससे क्या हो रहा था? मुख और भयानक लग रहा था। उसके बाद आंखों के बाद दाढ़ी, फिर दांत। दांत कैसे थे? मृत्यु के समान। फिर क्या था? जीवा। जीवा कैसे थी? तलवार के समान, है ना? और फिर क्या था? कान। कान, कान खड़े थे और स्थिर थे। फिर क्या था? नखुने और खुला मुख। मुख खुला हुआ था, कैसे था? पर्वत की गुफा के समान। और उनके जबड़े फैले हुए थे, उससे क्या उत्पन्न हो रहा था? भय उत्पन्न हो रहा था। और समूचा शरीर किसको छू रहा था? आसमान को छू रहा था। गर्दन कैसी थी? छोटी और मोटी। छाती चौड़ी, कमर पतली, परफेक्ट। और शरीर की रोएं चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत लग रही थी। भुजाएं चारों दिशाओं में, ऐसे लग रहा था कोई सैनिकों की टोली हो। देखो क्या रूप है, अद्भुत रूपा। तो बोला, अब देखिए इतना अद्भुत रूप देखने के बाद भी हिरण्यकश्यप की मेंटेलिटी देखिए, कितना अहंकार है उसमें। प्रायेण मेयम हरिणो रुमायना वधा स्मृतो अनेन समुदेत न किम। प्रायेण शायद हरिणो उरुमायना, ये हरि है, शायद ये हरि है। अरे क्या है उरुमायना? बहुत मायावी है, ये माया जाल के द्वारा इसने रूप ले लिया है। क्यों? वधा स्मृतो अनेन समुदेत न किमा, मेरे को वध करने के लिए रूप लिया है। समुदेत न किमा, क्या ला, मेरा वध कैसे कर पाएगा ये? इतना विशाल भयंकर रूप देखने के बाद भी लग रहा है शायद ये हरि है, माया के द्वारा रूप लिया मेरे वध करने के लिए, है क्या लाभ, मेरा कहाँ ये वध कर पाएगा। एवं ब्रुवस, ऐसा बोलते हुए बड़बड़ाते हुए क्या किया उसने? एवं ब्रुवस तू अभ्यपतत, आक्रमण करने चला गया गदा आयुधा, अपने गदे को उठाकर, और क्या किया? जोर से गरजते हुए आया मेरा वध करने के लिए। नरसिंहम प्रति दैत्य कुंजरा, जैसे कोई दैत्यों में हिरण्यकश्यप की तुलना की गई है, जो कि हाथी के तुल्य असुर हिरण्यकश्यप। सोच रहा है शायद ये हरि है, माया के द्वारा रूप धारण किया मेरे वध के लिए, क्या फायदा, है ना, मेरा वध कहाँ कर पाएगा। जोर से चिल्लाते हुए गदा पकड़ के उसने नरसिंह भगवान पे आक्रमण किया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हाथी सिंह से लड़ाई लड़ने जा रहा है।
है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं जंगल में अक्सर हाथी और सिंह की लड़ाई होती है ना, और डिस्कवरी चैनल में कभी देखा होगा हाथी और सिंह की लड़ाई, तो जीत किसकी होती है, सिंह की जीत होती है। तो ये बड़ा जो तुलना है देखिए क्या एकदम पोएटिक है, बिल्कुल सही तुलना की गई है। तो उसके बाद क्या हुआ, बड़ी हिम्मत से साहस करते हुए गर्जना करते हुए गदा उठाकर भाग रहा है इतने विशाल काय हिरण नरसिंह भगवान की तरफ। लेकिन कैसा हो रहा है, बड़ा सुंदर वर्णन है, अलिक्षितो अग्नो पतितो पतंगमो, गायब हो गया बिल्कुल गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, अग्नो पतित पतंगमो, जैसे पतंगा अग्नि में जाके नजर आता है खत्म गायब हो गया है ना। यथा नरसिंहो ओजसी सु असुर तदा, नरसिंह भगवान के तेज में जाकर ये असुर बिल्कुल गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया। ना तद विचित्र खलु सत्व धामनी, ये कोई विचित्र बात नहीं है, क्यों खलु सत्व धामनी, भगवान तो शुद्ध सत्व में ही रहते हैं हमेशा, और ये क्या है हिरण्यकश्यप असुर तमोगुण में है, अंधकार में है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, और भक्त प्रहलाद की भक्ति योग से भगवान वहां प्रकट हुए तो सारा अंधकार दूर हो गया। स्व तेजसा योना पुरा अभिवित्तम, क्योंकि पहले भी भगवान ने अपने प्रकाश से इस पूरे सृष्टि के अंधकार को पी गए थे, तो बिल्कुल गायब हो गया, जैसे एक मच्छर अग्नि में जाता खत्म, भगवान के तेज के सामने बिल्कुल गायब। तभी क्या किया, तो अभी भी वहाँ जाके भगवान के तेज में जाके बड़ी तेजी से गदा चला रहा है, उन्हें का मारने लगा, लेकिन भगवान ने क्या किया, गदा समेत उसको पकड़ लिया है ना, जैसे एक गरुण सांप को पकड़ लेता है। जब पकड़ लिया तो क्या किया, पकड़ा, फिर भगवान ने उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो सारे के सारे, जैसे छोड़ दिया जैसे कि गरुड़ जी के मुख से कभी कभी सांप को पकड़ते हैं तो सांप हाथ से निकल जाता है, मुख से निकल जाता है, तो जो सारे के सारे देवता गण थे वो आकाश में आ गए थे, बोले लाइव मैच देखेंगे, बड़े एक्साइटेड थे, हाँ भगवान आ गए। भगवान ने कभी पहले प्रॉमिस किया था, जब देवतागण बड़े प्रताड़ित थे हिरण्यकश्यपु से, तो भगवान ने प्रॉमिस किया था ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम वेट करो, जब ये प्रहलाद को तंग करेगा मेरे परम भक्त को तब मैं आगे इसका वध करूँगा, क्योंकि मैं वैष्णव अपराध सहन नहीं कर सकता, तब मैं इसका वध करूँगा। बोले हो गया, अब टाइम आ गया, और बड़े खुश थे, ये देखा पकड़ा और छोड़ दिया, ओ सब हाथ से निकला, और सबको डर और बढ़ गया, बोले यार वास्तव में हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली है, भगवान के हाथ से भी छूट गया। अब उनको ये डर लग गया कि बाद में इसको मालूम चलेगा कि हम मैच देख रहे थे बड़ा खुश हो रहे थे तो ऐसी पिटाई करेंगे तो बहुत मारेंगे फिर हमें। पहले ही सारे के सारे देवतागण आके उसकी नौकरी चाकरी करते थे, कोई झाड़ू लगाता था, कोई चामर करता था, बोले अब इसकी पिटाई हो रही थी, खुश हो रहे थे, और फिर बाद में बच गया तो खूब मारेगा ये, तो वो बेचारे और डर गए। लेकिन जब हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के हाथों से छूट गया तो उसने सोचा कि शायद भगवान उसके शौर्य से डर गए, अब थोड़ा उसने विश्राम लिया, थोड़ी सांस ली उसने, और अपनी ढाल और तलवार निकाली, और उसकी ढाल पर 100 चंद्रमा अंकित थे ना, और बड़े बलपूर्वक भगवान पे आक्रमण कर दिया, और ढाल और तलवार को ऐसे लेकर गया कोई गैप नहीं हो बीच में, ऐसे लेकर और बलपूर्वक चिल्लाते हुए उसने किया। लेकिन जैसे वो गया, अट्ठास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पोषण भगवान ने हिरण्यकश्यप को फिर से पकड़ लिया है ना, जैसे उसने तो बेचारे ने पहले ऐसे किया हुआ था, और उसको यूं पकड़ लिया और जोर जोर से अट्ठास कर रहे थे, और उसको ऊपर से नीचे तक किया, ऐसे आकाश से लेकर नीचे तक यूं, और हिरण्यकश्यप और भगवान की जोर जोर अट्ठास सुन के इतना डर गया, उसने आंखें बंद कर ली, और उसको यूं कर रहे हैं, और जिस प्रकार कोई सांप चूहे को पकड़ लेता है और गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, तो हिरण्यकश्यप छटपटा रहा था पूरी तरह से एकदम, और हाथ में पकड़े हुए हैं भगवान ने, चारों ओर छटपटाने लगे, और फिर भगवान ने छटपटाते हिरण्यकश्यप को कहा क्या, अपनी गोद में दबोच लिया, और जांघों पे रखकर क्या किया, भवन की दहली पे जाकर हाथों के नाखूनों से उस असुर का वध कर दिया। हरी हरी बोल। देखिए, और जब उसका वध किया तो हिरण्यकश्यप की त्वचा ऐसी थी जिसको इंद्र का वज्रपात भी भेद नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपने नखनों से उसका पूरा ओपन स्टमक सर्जरी कर दिया। तव कर कमल वरे ना
adbhuta shringa dalita hiranyakashipu tanubringa keshava dhita narahari rupa jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare jaya jagadisha hare Davakar kamala vare nakham adbhut shringa Bhagavan ke kar kaise hain kamal ke saman hain तवकर कमल वरे नखम नखम कैसे हैं कर कमल हैं तो हाथ तो कमल के समान हैं लेकिन नखम बड़े अद्भुत हैं और क्या किया तनु भृंगम भगवान के हाथ कमल के समान हैं और हिरण्यकश्यप की तुलना की गई भृंग से अक्सर क्या होता है कि भृंग कमल को फोड़ता है जब एक भृंग कमल फूल के ऊपर बैठता है तो खुले हुए बंद कमल को वो खोल देता है मतलब लेकिन यहाँ उल्टा है यहाँ क्या कर रहा है कमल भृंग को दालिता बिल्कुल मचल दिया उसने तो ये बड़ी अद्भुत है अद्भुत श्रृंगार है ये भृंग कमल को खोलता है लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कमल भृंग को बिल्कुल उसको तोड़फोड़ कर दिया तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्य कश्यपु तनु भृंग केशव धृता नर तो इस प्रकार से पूरा उन्होंने किया सब और जब पूरा पेट फाड़ा तो क्या हुआ फिर क्षमा करें पूरा जब पेट फाड़ा होगा तो भगवान मुख और गर्दन के बाल जो थे पूरे खून से भर गए और यहाँ कर लिख रहे हैं नाथ मणि कह रहे हैं कि बहुत सुंदरता बढ़ गई भगवान की है ना और भगवान अपने मुंह के कोरों को अपनी जीभ से चाट रहे हैं जीभ बाहर निकाल के चाट रहे हैं खून ऊपर पड़ा हुआ है जिससे उनकी सुंदरता चमकीले उनके बाल थे उस पर खून के लाल खून की बूंदें उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे और हिरण्यकश्यप से उधरी हुई निकली हुई जो उधर की आंतें थी उसको निकाला और हार बना दिया इससे भी उनकी सुंदरता और बढ़ गई कमाल है भगवान हर दिशा में सुंदर लगते हैं है ना कैसा कोई हो सकता है ऐसी स्थिति में सुंदरता बढ़े है ना तो आचार्यगण बताते हैं कि ये आंत को क्यों डाला हार बना के अगर हार बनाया हार डालने से सुंदरता बढ़ती है ये हार डाला हुआ है तो और सुंदरता बढ़ती है ना? किसी को भी हार डालते हैं वो लगता है उसकी सुंदरता बढ़ती है विशेषता बढ़ती है तो ऐसा क्यों तो कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि ये जो प्रहलाद इतना मेरा प्रिय भक्त है आया तो इस हिरण्यकश्यप की आंतों से ही है तो मैं आंतों में ढूंढता हूँ और कोई तो भक्त नहीं छिपा हुआ वो आंतें निकाल के वो आंतें इतनी प्रिय है भगवान को इसने मेरे भक्त को जन्म दिया तो इस आंतों को अपने गले में डाल दिया नरसिंह देव भगवान की तो उसके बाद अनेक अनेक भुजाओं वाले इतने भुजाएं थी सबसे पहले क्या किया पेट फाड़ के आंत ऊपर डाली फिर हिरण्यकश्यप के हृदय को लिया हृदय निकाल के दूर फेंका जाके और फिर उसके जो सारे बड़े स्वामी भक्त उसके दूसरे असुर थे वो आ गए अपनी अपनी तलवार और ढाल लेके चारों तरफ से आक्रमण कर रहे हैं उनको तो भगवान ने अपने नाखूनों से पीस दिया सबको खत्म कर दिया उसके बाद भगवान ने जब अपने बालों को हिलाया तो सारे बादल इधर उधर हिलने लगे भगवान की जलती आँखों से नक्षत्रों का प्रकाश ढीला पड़ गया और भगवान की श्वास से समुद्र में उद्वेग आ गया और भगवान की गजना से संसार के जितने हाथी थे भय से चिंगाड़ने लगे दूर दूर भागने लगे और थोड़ा और सर को हिलाया जितने आकाश में वायुयान थे सब ब्रह्मा जी के लोक में और ऊपरी आकाश में आके उधर गिर पड़े है ना भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से हिल गई पर्वत उछलने लगे और भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृत टिका देते हैं कि भगवान हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठे हैं ये कोई छोटी बात नहीं है बड़े बड़े मुनिगण ऋषिगण बड़े बड़े यज्ञ करते हैं भगवान को आमंत्रित करते हैं कि आप विराजिए लेकिन भगवान नहीं बैठते हैं लेकिन अब भगवान बैठ रहे हैं
क्यों क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था जय था भगवान के लोक में और उसने भगवान की बहुत सेवा की हिरण्यकश्यप के रूप में भगवान को कुछ कभी तक ऑफर नहीं किया था लेकिन अब भगवान उसकी सेवा को क्योंकि पहले उसने सेवा की थी इसलिए भगवान उसके सिंहासन में बैठे तो यानी कि भक्त की स्थिति हमेशा शुभ रहती है तो उसके बाद उन्होंने सारे के सारे देवतागण अपने अपने विमान लेकर आ गए अब तो चलो जी बड़े खुश हुए देवताओं की स्त्रियां तो इतनी प्रसन्न हुई हमारा घर बार लुट गया था सारे नौकर चाकर बन गए थे अब अच्छे दिन वापस आ गए तो सब आ गए ब्रह्मा जी इंद्र जी शिव जी बड़े बड़े साधु पुरुष पितृलोक सिद्ध लोक विद्याधर लोक नाग लोक सबको प्रताड़ित किया हुआ था उसने सबको प्रभुपाद लिखते हैं सबके लिए वो मेनिनजाइटिस फीवर था मस्तिष्क का फीवर था वो सारे इतने खुश हुए मनु अन्य लोगों के प्रजापति अप्सराएं नाचने लगी गंधर्व चारण यक्ष किन्नर बेताल किम पुरुष लोक के वासी विष्णु के पार्षद सुनंद कुमुद सब भगवान के निकट आ गए और सब गुणगान कर रहे हैं फूलों की वर्षा हो रही है अप्सराएं नाच रहे हैं और सबने क्या किया ब्रह्मा जी रुद्र जी इंद्र जी पितृलोक गंधर्व लोक सिद्ध लोक सब ने प्रार्थनाएं की लेकिन भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है ना ये प्रार्थनाएं बांट सकते हैं प्लीज कैन डिस्ट्रीब्यूट भगवान का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा भगवान बहुत क्रोध में है गरजते जा रहे हैं पीछे दीजिए माता जी को और सब लोग एक दो श्लोक बोलते थे वापस आया थे डर के है ना किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही सबने लक्ष्मी जी को बोला आगे जाओ लक्ष्मी ने बोला मैं ऐसा भयंकर रूप मैंने तो कभी देखा ही नहीं हमेशा चरणों की सेवा करती रही लेकिन ऐसा रूप कभी प्रकट करेंगे कभी बताया भी नहीं मुझे बहुत डरे हुए थे सब किसी की हिम्मत नहीं हो रही फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास गए भैया देखो आपके पिताजी का वध करके बड़े गुस्से में ये फैमिली का ही मामला है आप जाओ हमसे तो संतुष्ट नहीं हो रहे और प्रहलाद छोटे से बालक हाथ जोड़कर गए भगवान के सामने उनको प्रणाम किया भगवान इतने खुश हुए भगवान ने देखा प्रहलाद को जैसे ही प्रहलाद को देखा भगवान संतुष्ट हो गए कॉपीज बट गई हैं अगर आप लोगों के पास कोई स्मार्टफोन वगैरह है तो मैं श्लोक बोल दूंगा तो आप उसमें भी देख सकते हैं ओके तो हरे कृष्ण शुरू करें तो अभी सुनिए पढ़िए मत उसके बाद पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा इकट्ठे पढ़ेंगे तो कहाँ थे हम सभी देवताओं ने प्रार्थना की भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे क्रोध में हैं फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा प्रहलाद गए प्रहलाद ने प्रणाम किया प्रहलाद को देखते ही भगवान एकदम शांत हो गए भगवान इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं प्रहलाद छोटे से बालक नीचे तो क्या किया प्रहलाद को उठाया अपनी गोद में बिठाया और अपने हाथ को प्रहलाद के सर पे रखा हाथ को रखा नाखून नहीं नाखून रखते हाथ किसके समान था कमल के समान था ये हाथ कभी भगवान ने ना कभी ब्रह्मा जी के सर पे रखा ना शिव जी के लक्ष्मी जी के सर पे भी नहीं रखा किसके सर पे रखा कितने प्रिय होंगे भगवान को है ना तो उसके बाद जब भगवान का गुस्सा शांत हो गया भगवान को देवताओं से क्यों गुस्सा आ रहा था भगवान को देवताओं से ऐसे गुस्सा आ रहा था कि ठीक है तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाए नहीं तुम में से किसी ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया है ना प्रोटेस्ट तो करते नौकरी चाकरी कर रहे थे हिरण्यकश्यप की जो मेरे भक्त को इतना तंग कर रहा था तो अब फालतू में आके प्रार्थना कर रहे हो जाओ कोई कह नहीं सुनने नहीं किसी इतना गुस्सा भगवान को मेरे भक्त को इसने तंग किया और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए इसके लिए कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं किया तुमने बहुत क्रोध में थे तो फिर बहुत सुंदर प्रार्थना है बाकी सब देवताओं ने तो एक दो श्लोक बोल के भाग के आ गए कबड्डी खेलने जाते ना फटाफट बोल के उनको बोला कोई असर ही नहीं हो रहा भागे वापस तो पता इतने क्रोध में कुछ डर लग रहा था सबको लेकिन यहाँ पर इस श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 50 तक
43 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की, एक से बढ़कर एक। अक्सर जब भागवतम में प्रार्थनाएं आती हैं हम लोग बोलते हैं कब खत्म होंगे, है ना, फटाफट, है ना, स्टोरी लाइन चल रही होती है तो उतार चढ़ाव क्लाइमैक्स, ये बड़ा अच्छा लगता है। अब प्रार्थनाएं शुरू हो गई, आप तीनों लोगों तीनों गुणों से परे हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप ये हैं वो हैं, कई बार सुन चुके हैं तो फटाफट करते हैं ना? लेकिन अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे इन प्रार्थनाओं में उस प्रार्थी का भक्त का चरित्र निकल के आता है, उसके मन की भावनाएं निकल के आती हैं। हम सारे श्लोक तो नहीं ले पाएंगे, 4 या 5 श्लोक लेंगे और देखेंगे कितनी सुंदर प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज ने की। अगर आपको आज समय लगे तो आज पढ़ना इन सबको। इसका श्रुति फल भगवान ने खुद बोला है कि हे प्रहलाद तुम भद्र हो, जो कोई भी तुम्हारे इन प्रार्थनाओं को पढ़ेगा जो तुमने मेरे लिए कही हैं और हमारी इस वार्तालाप को सुनेगा वो निश्चित रूप से इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और इस नरसिंह चतुर्दशी व्रत की महिमा का भी बहुत गुणगान किया गया जो आपको बाद में बताएंगे। उसका एक कार्य यह है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं है और पूरा दिन भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करते रहना है। जो ये करेगा उसको इतना लाभ प्राप्त होगा अंत में बताएंगे, ठीक है। तो पहला श्लोक हम बोलेंगे 7, 9, 8, ठीक है, साथ साथ बोलिए। ब्रह्मादि सुरगणा मनोवाथ सिद्धा सत्वैकतान्गत्यो वचसां प्रवाहे नारादितुं पूरो गुणेणोधान पिप्रो किं तोष्टुमर्हति सा मे हरि उग्र जाते। तो इस प्रार्थना से हम देखेंगे, इस प्रार्थना से पहले का जरा सीन इमेजिन कीजिए। सारे देवतागण सफल नहीं हो पाए भगवान को शांत करने में, भगवान इतने क्रोध में हैं। प्रहलाद गए, प्रहलाद को देखते ही भगवान शांत हो गए, अपना सर उसके अपना हाथ अपने सर उनके सर पे रखा और फिर प्रहलाद ने छोटे से बालक ने प्रार्थना की, बोले ब्रह्मा आदि सुरगणा, ब्रह्मा जी हैं आदि सुरगण हैं मुनिगण हैं सिद्ध लोग हैं सत्वैक सब सत्वगुण में हैं, है ना, एकांत गत्यो किसी का कोई भौतिक कार्य करते ही नहीं, वचसाम प्रवाह है सुंदर सुंदर भाषा में आपका गुणगान किया, नराध्य तुम पुरो गुणे अधुनापि पिप्रु, तो बोल रहे हैं कि आप फिर भी नराध्य तुम प्रसन्न नहीं हुए और अभी तक आप इसमें आप प्रसन्न नहीं हुए इतनी प्रार्थनाएं सुनने के बाद। किम तोष्टुम अर्हति सामे हरि उग्र जाते, तो ये मैं कैसे समझूं भगवान मैं उग्र जात में असुर कुल में पैदा हुआ, किम तोष्टुम अर्हति मेरे में क्या ऐसी योग्यता था कि आप संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी देवतागण जो कि सत्व गुण में हैं एकांत गति हैं और उन्होंने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की उससे आप संतुष्ट नहीं हुए, मैं उग्र जाति असुर कुल में पैदा हुआ कैसे आप संतुष्ट हो गए, है ना। आप सोचिए ब्रह्मा जी भी प्रार्थना से संतुष्ट नहीं कर पाए, छोटा सा बालक को देखते ही भगवान संतुष्ट हो गए, हमारे साथ ऐसा हो तो कैसी फीलिंग आएगी, या कुछ हो यस समथिंग स्पेशल देखेंगे सबको, सभी बोलेंगे वाह कमाल है वेरी गुड ठीक कृपा है भगवान सब बढ़िया है, इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा नहीं लगेगा नेचुरल है, सब बोलेंगे जय हो नरसिंह भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय, बस ठीक है कोई आई डिड इट, कोई नहीं कर पाया जो मैंने किया। प्रहलाद महाराज हैरान हो रहे हैं आप कैसे संतुष्ट हो गए, अपना कोई गुणगान नहीं कर रहे, बोले ये जो अद्भुत कैसे। तो जो भक्त होते हैं जब उनको किसी प्रोजेक्ट में अपने कार्य में अपनी सेवा में सफलता मिलती है तो एक बद्ध जीव के अंदर सबसे पहला विचार आएगा मैंने किया है, ऑफ कोर्स कृपा भगवान की प्रयास मेरा ना स्किल्स थे मेरे पास इंटेलिजेंस थी प्रयास किया तभी हुआ, लेकिन नहीं ये प्रहलाद में बिल्कुल ये बात नहीं आ रही, वो हैरान है ऐसे कैसे संभव हो सकता है। वो इसलिए है क्योंकि जो एक साधारण जीव होता है हमेशा सेल्फ ऑब्जर्व होता है अपने बारे में सोचता रहता है मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, या तो अपने आप को बहुत दिग्गज मानेगा
ये आप मेरे को बिल्कुल कुछ किसी काम का नहीं माने, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, दोनों ही दोनों मिथ्या अहंकार की स्थिति है। अपने आप को बहुत ऊंचा माना, अपने आप को किसी काम का ना माना, दोनों मिथ्या अहंकार है। दोनों से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या केस है, मैं चल रहा है बस। इंग्लिश में कहावत है, वन शुड नॉट थिंक लो ऑफ लेस ऑफ हिमसेल्फ बट वन शुड थिंक लेस अबाउट हिमसेल्फ। अपने आप को कम माने से नहीं कि मैं कम हूँ इससे भगवान प्रसन्न होंगे, अपने बारे में कम सोचना चाहिए। किसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए? भगवान और भक्तों की सेवा के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जितना हमारा हृदय अपनी प्रशंसा से भरा होगा, अपनी महिमा से भरा होगा, उतना हम भगवान की महिमा को रिलिश नहीं कर पाएंगे, भक्ति को भी रिलिश नहीं कर पाएंगे, है ना? क्योंकि हमारा हृदय अपने आप खुद की प्रशंसा से भरा हुआ है, तो भगवान की प्रशंसा भगवान की महिमा हमें हृदय को छू ही नहीं पाएगी। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये सारी जो अचीवमेंट है ये आपकी महिमा के कारण है, आपकी ग्रेटनेस का प्रूफ है, मेरी ग्रेटनेस का प्रूफ नहीं है। कैसे आप ब्रह्मा जी से संतुष्ट नहीं हुए, मुझ जैसे असुर बालक से कैसे संतुष्ट हो गए, है ना? मैं तो उग्र जाति हूँ, तो इस प्रकार से मैं तो तमोगुण में हूँ। तो जितना हम इस भक्ति में इस नियम का पालन करें, हम देखेंगे हमारा भक्ति पूरी जो हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि बद्ध जीव का ये नेचर है, आदत है अपने बारे में ही सोचना हमेशा। इसका प्रयास करें हम किसके इस सोच को हटाकर भगवान और भगवान की सेवा के बारे में सोचें, उतना हम इसमें आनंद पाएंगे। तो इसमें प्रहलाद महाराज की विनम्रता निकल के आती है, सबमिसिवनेस, कितने वो विनीत थे वो निकल के आता है। और जितना हम विनीत होंगे भगवान को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं इसके तात्पर्य में, ओनली मीक एंड हम्बल कैन बी सक्सेसफुल इन स्पिरिचुअल लाइफ। जो व्यक्ति विनम्र है और विनीत है वही आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकता है। आप बोलोगे लेकिन प्रभु जी हम कुछ सेवा करते हैं तो कुछ तो अप्रिसिएशन चाहिए होता है। दो घंटे किसी ने लेक्चर दिया, एक व्यक्ति भी आके ना बोले प्रभु जी अच्छा लेक्चर था, कितना महसूस होगा? किसी ने इतना कीर्तन किया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ किया, इतनी मेहनत की, कोई तो आए मेरा उत्साह बढ़ाए, मेरा अप्रिशिएट करता रहे। हमें भगवान की महिमा में इस अप्रिसिएशन को डाल देना चाहिए कि भगवान की महिमा है, भगवान की कितनी ग्रेटनेस है कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया इस कार्य को करने के लिए। कोई आपको ग्लोरीफाई करे, यस भगवान और गुरु की महिमा है कि मैं इंस्ट्रूमेंट बन पाया, है ना? मुझे चुन लिया। प्रहलाद महाराज आप मुझसे कैसे संतुष्ट हो गए, हैरान हो रहे हैं। प्रभुपाद भी हैरान होते थे कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इतना कैसे फैल गया, है ना, अग्नि की तरह। इस जंग से, इस प्रार्थना से हम क्या देखते हैं? प्रहलाद महाराज का सबमिसिवनेस। ओके, इसके बाद हम जाएंगे श्लोक संख्या 10 में, है ना? विप्राद द्विष्गुण युता अरविंद नाभा पादारविंद मुखाश्चपचं वरिष्ठं मन्ने तदर्पित मनोवचनोय हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं नातु भूरिमाना। तो अब कोई कह सकता है कि प्रहलाद महाराज इतना आश्चर्य दिखा रहे हैं और उनमें कोई भी गर्व की भावना नहीं है, और हम देखें यही भावना भगवान की रासलीला में हम देखते हैं। भगवान की रासलीला में भगवान जब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं तो गोपियों के मन में ऊपरी ढंग से ये भाव आता है कि हम कितने विशेष हैं, तो भगवान क्या हो जाते हैं? अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन आनंद वृंदावन चंपू में कवि कानपुर जी बोलते हैं इसका एक अंतरंग कारण है, और वो सुनेंगे तो बहुत विचित्र होगा। वो अंतरंग कारण ये है कि गोपियों ने सोचा कि भगवान हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो इसमें तो राधा रानी की विशेषता तो नहीं लग रही, लेकिन राधा रानी तो बहुत विशेष है, भगवान को तो केवल राधा रानी के साथ होना चाहिए, हम इस योग्य नहीं हैं कि भगवान और राधा रानी के साथ हम भी हों। तो क्या किया, बाहरी रूप से ऐसा उन्होंने मान दिखाया, जैसे भगवान ने क्या किया, राधा रानी को लेकर वो गायब हो गए। जब राधा रानी को लेकर गायब हो गए तो राधा रानी ये नहीं सोचे देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ, सब गोपियों को छोड़ के भगवान केवल मेरे साथ हैं, नहीं उनको चिंता हो रही, अरे भगवान मेरे साथ हैं, ललिता विशाखा का क्या हो रहा होगा, तो ठीक बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं बहुत थक गई, रोकना चाह भगवान को कि सब गोपियाँ ढूंढ रही होंगी, ढूंढते ढूंढते पहुँचा है यहाँ पर,
तो ये अंतरंग भाव है, भक्तों का ये भाव है। भक्त लोग भगवान की कृपा भी मिल रही है, तब भगवान की कृपा के साथ साथ भक्तों की कृपा की भी याचना करते हैं। ये नहीं कि तुरंत अपने आप को बेटर समझना शुरू कर दिया, देखो मुझे ज़्यादा कृपा मिले। तो यही भाव प्रहलाद महाराज दिखा रहे हैं कि आप मुझसे कैसे प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने बोला, ये मुझे लगता है भक्ति की महिमा है, मेरी महिमा नहीं है, भक्ति की महिमा है। तो इस श्लोक में भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बोले हैं विप्रा द्विष गुणा, जो ब्राह्मण है जो कि 12 गुणों से संपन्न है, स्वपचम वरिष्ठम, उनसे श्रेष्ठ कौन है? स्वपचम चंडाल उनसे श्रेष्ठ हैं जो कि 12 गुणों युक्त वाले ब्राह्मण हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण हैं पदार विंद विमुखान, वो भगवान के चरणों से विमुख हैं। कोई ब्राह्मण कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, सभी गुणों से युक्त क्यों ना हो, लेकिन भगवान के चरणों से विमुख है तो उससे वो चंडाल श्रेष्ठ है, जिसने क्या किया है, तदर्पित मनो वचनो हितार्थ प्राणम, अपने मन वचन अपना अर्थ अपने प्राण भगवान को अर्पित किए हुए हैं। और ऐसा चंडाल क्या कर सकता है? पुनाति सकुलम, वो अपने अपने आप को नहीं पूरे कुल को शुद्ध कर सकता है। ना तो भूरी माना, ना तो वो ब्राह्मण जो फालतू में अपने घमंड में है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल का हूँ, 12 गुणों से युक्त हूँ। तो भक्ति की क्या विशेषता है? भक्ति ये पूरे सामाजिक जो क्या बोलेंगे, हायरार्की क्या बोलेंगे, इसको बिल्कुल उल्टा कर सकती है। भगवान ये नहीं देखते आप कौन सी भौतिक स्थिति में हो, आप ब्राह्मण कुल के हो, आप वैश्य हो, क्षत्रिय हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप सेक्रेटरी हो, आप लीडर हो, कौन सी सेवा कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे, नहीं ये भौतिक स्थितियाँ नहीं। भगवान ये देखेंगे आपका हृदय, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके हृदय क्या स्थिति है, क्या सेवा की भावना है, है ना। तो वो ब्राह्मण है। कई बारी जो हमारी भौतिक योग्यता होती है वो हमारी आध्यात्मिक अयोग्यता बन जाती है। बहुत जैसे भक्ति में ठाकुर भी कह देंगे, जो जड़ विद्या मायार वैभव, है ना, और जितना जड़ विद्या होगी उतना भगवान की महिमा को समझना मुश्किल हो जाता है ना। कितने लोग आते हैं, है ना, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, है ना, हमने तो महाभारत में ये सुना, उसमें ये कैसे हो गया। वो समझते नहीं कि यंत्रा टेक्नोलॉजी से मंत्रा टेक्नोलॉजी श्रेष्ठ होती है। कल ये व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, ऐसा कैसा मान लें, ऐसे कैसे हो गया। मैं आपको यंत्र खाली क्या, आप इंजीनियर हो, खाली यंत्र मालूम है, मंत्र भी टेक्नोलॉजी होती है, उससे भी श्रेष्ठ है। तो अपनी बुद्धि से वो समझते हैं। तो जो भौतिक योग्यता है कई बारी आध्यात्मिक अयोग्यता बन जाती है ना। कई बारी हम देखते हैं भक्ति बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, और हम बाहरी दृष्टिकोण से जज करते हैं, इसने सेफ्रन डाला हुआ, ये अच्छा भक्त होगा, है ना, ये उस आश्रम के ज़्यादा अच्छे भक्त होंगे। नहीं, कुछ नहीं पता, भक्ति बहुत सो, ये साधना सुबह सुबह रोज आ जाता है, सीधा बैठ के जप करता है, ये बहुत अच्छा होगा, और ये थोड़ा मंगल आरती में लेट होता है, ये निकृष्ट है। नहीं, कुछ नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह रहा कि मंगल आरती में लेट आने से आप अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है कईयों की पुरानी कुछ सुकृति हो, अपने इंद्रियों को ज़्यादा संयम में कर ले, और कोई भक्त बेचारा बार बार प्रयास कर रहा है फिर फिसल रहा है, बार बार प्रयास कर रहा है फिर फिसल रहा है। जिसको अपने इंद्रियों में संयम है उसको अहंकार है, देखो मैं कभी फिसला नहीं अभी तक, और दूसरा बेचारा पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर निर्भर है, भगवान को कौन ज़्यादा प्रिय होगा। ये नहीं कह रहे कि बार बार फिसलिए, सही सेंस में लेने का प्रयास कीजिए। कहने का अर्थ है भक्ति बहुत सूक्ष्म है, बाहरी दृष्टिकोण से जज करके हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, बहुत अपराध कर बैठते हैं। तो बोल रहे हैं कि जिसने अपना सब कुछ अर्पित किया हुआ है और वो श्रेष्ठ है। कई बार हम एक बार राधा स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहे थे, उन्हें किसी ने निर्जला एकादशी रखी हुई है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, नहीं खाना नहीं पीना कुछ नहीं, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए मैं तपस्वी हूँ, और दूसरा कोई बेचारा भक्त है कमज़ोर है, जूस भी पी रहा है खा भी रहा है, कोई क्या इंद्र तृप्ति में लिप्त है ये। तो क्या है, अगर ऐसी भावना आ गई तो क्या हुआ? उन्होंने बोला फास्टिंग फॉर द टंग बट द फीस्टिंग फॉर द ईगो। जीवा के लिए तो फास्टिंग है, लेकिन मिथ्या अहंकार के लिए क्या है? फीस्टिंग, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय नहीं होते, भक्ति बहुत सूक्ष्म है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपने मुझसे क्यों संतुष्ट हो गए? निश्चित रूप से ये भक्ति की महिमा है,
तो कोई कह सकता है इसका मतलब फैलाल महाराज ये स्थापित कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी से ज़्यादा भक्ति उनके पास है ना, इसका मतलब ये हो गया फिर तो फैलाल महाराज फिर बड़े सावधान है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, है ना। फिर वो श्लोक संख्या कौन सा है, 11, 9 हुआ, 8, 10 यस, फिर है 11, है ना। नैवात्मना प्रभु अयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रति मुखस्य यथा मुख श्री। बोले कि ना तो निश्चय ही एव प्रभु अयम निज लाभ पूर्ण, आपको जो भी कुछ भक्ति में ऑफर करता है ना, निज लाभ पूर्ण, आप अपने आप में संतुष्ट हैं, निज लाभ पूर्ण, अपने आप में पूर्ण हैं। ना एव आत्मना प्रभु अयम, आप इसको ग्रहण नहीं, अपने आपको कुछ नहीं चाहिए। मानम जनाद अविदुषा करुणा वृणीते, जो अविदुष जो लोग जानते नहीं आप क्या हैं वो आपको मान सम्मान देते हैं, करुणो करुणावश वृणीते, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, हालांकि आप अपने आप में पूर्ण हैं तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। यत्य जनो भगवते विदधीत मानम तच्चत आत्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखाश्री, जो जो भी जन आपको कुछ भी देता है आप उसके लाभ के लिए स्वीकार कर लेते हैं, आप अपने आप में निज लाभ पूर्ण है। फिर ये उपमा दे रहे हैं कैसे, प्रतिमुखस्य यथा मुखाश्री, जैसे कि मुख का श्रृंगार करने से उसका जो प्रतिबिंब है वो अपने आप उसका श्रृंगार हो जाता है, यानी कि आप स्वीकार करने से हमारा लाभ हो जाता है। अगर हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं करुणावश, तो हमारा भी श्रृंगार हो गया, ठाकुर जी का श्रृंगार किया हमारा श्रृंगार हो गया। प्रभुपाद कहते हैं किसी को अपने आप को साजने संवारने का बहुत शौक है तो उसको क्या करना चाहिए, ठाकुर जी को साजने संवारना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा ना हिंदी मूवीज़ में, हीरो नशे में धुत होता है, उसको चोट लगी होती है तो वो क्या करता है, आपने आपको शीशे में देख कर यहाँ चोट लगी तो शीशे में पट्टी लगाता है ना, और सोचता है कि चलो ठीक हो गया, तो शीशे में कोई पट्टी लगाएगा तो उसकी चोट ठीक हुई नहीं, जनता बड़ी हंस रही है तालियाँ बजा रही है। लेकिन वास्तव में इस संसार में सभी हम सभी लोग यही कर रहे हैं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम भगवान के प्रतिबिंब हैं, हम लोग अपने आप को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति शीशे के प्रतिबिंब को सजाने का प्रयास कर रहा है। अगर वो उस प्रतिबिंब में सजा हुआ चेहरा देखना चाहते हैं तो किसको सजाना चाहिए, अपने आप को सजाना चाहिए, सिंपल। तो भगवान को सजाने से हम उनके प्रतिबिंब हैं, हम अपने आप सज जाएंगे। तो बोल रहे हैं ये आपकी महिमा है कि आपने मेरे कुछ, मैंने आपको जो ऑफर किया प्रणाम ऑफर किया वो स्वीकार कर लिया, मेरी कोई महिमा नहीं है, आपने करुणावश स्वीकार किया, तो क्या कर रहे हैं आप, क्यों संतुष्ट हो गए, मेरे लाभ के लिए, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, आपकी करुणा थी कि आपने इसको स्वीकार कर लिया। तो इसके बाद हम जाते हैं फिर श्लोक संख्या 15, नाहं विभेद्य जेत्य अति भयानकास्य जीर्वाकनेत्रिकुटुरभृगोद्रदृष्टान् आनन्त्रस्तजाक्षतयक्षेशरशङ्ककर्णा निर्हादभिद्गद्भिराद्राभिन्खकाग्ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ना हम विभे में अजित, हे अजित ना हम विभे में, मैं भयभीत नहीं हुआ, ते अति भयानक, आपका ये भयानक मुख, आस्य जीवा जीव अर्क नेत्र सूर्य के समान चमकती आंखें भ्रिकुटी रभस प्रबल उग्र दृष्टांत भयालिक दांग आंत्र शस्त्रजा आंतों की माला रक्त से सने केशर, इसको देखकर मैं भयभीत नहीं हुआ, मैं से भयभीत नहीं हुआ, क्यों, बाकी सब भयभीत हो गए। प्रहलाद बोल रहे हैं कि मैं इसको भयभीत नहीं हुआ क्योंकि प्रहलाद महाराज देख रहे हैं भगवान का प्रेम इसके पीछे, कि भगवान भगवान का रूप धारण किया, लेकिन मुझे तो आपका प्रेम दिखाई दे रहा है,
कोई व्यक्ति प्रेम दिखाई दे रहा है तो वो सुंदर लगेगा, तो मुझे आप सुंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जैसे एक हाथी को नदी में डाल दिया जाए तो हाथी तो नदी के प्रवाह से बेचारा बह जाएगा, इतना बड़ा हाथी, लेकिन उसी नदी में छोटी सी मछली है वो आराम से तैरती है, तो क्या क्या डिफरेंस है। वह लिख रहे हैं क्योंकि उस नदी ने उस मछली ने नदी की शरण ग्रहण की हुई, और हाथी है बलवान लेकिन उसने शरण ग्रहण नहीं की हुई, क्योंकि मैं छोटा सा बालक हूँ, असुर हूँ, लेकिन मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, इसलिए आपका ये भयानक रूप मुझे भयानक नहीं लग रहा। कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है। जो थल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए समुद्र का पानी बहुत भयानक है, समुद्र में प्रवेश करते हैं डरते हैं, है ना, थोड़ा सा जाएंगे फिर वापस, लेकिन जो मछली है वो समुद्र में आराम से तैर रही है क्योंकि मछली ने उस समुद्र की शरण ग्रहण कर ली है, तो मछली को समुद्र बड़ा सुंदर लगेगा, तो मुझे आपका ये भयानक रूप भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, है ना। फिर उसके बाद है 16वां, सोहम प्रियस्य सुहृदय पर देवताया लीला कथास्तव नरसिंह विरिंच गीता अंजस्तितरयम् नृगुणगुण प्रमुक्तो दुर्गा नीते पद युगल सास संग। तो बोले कि नहीं, मैंने 16 पढ़ा, ऊपर वाला पढ़ा, वो नंबरिंग ऐसे 16। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके इस भयानक दिखने वाले रूप से भयभीत नहीं हूँ, लेकिन एक चीज से भयभीत हूँ, त्रस्ता अस्मि अहम्, मैं त्रस्त हूँ, भयभीत हूँ। बड़ा सुंदर शब्द भगवान के यूज कर रहे हैं, कृपण वत्सला, ये शब्द अभी तक किसी मैंने कहीं और पढ़ा नहीं, कृपण वत्सला, भगवान का नाम सुना है भक्त वत्सला, लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, कृपण वत्सला। कृपण कौन होते हैं? कंजूस, जो कि बद जीव हैं, पतित जीवात्माएं हैं, जो कि भक्ति में इतना रुचि नहीं रखती, जो कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रही हैं, उनके ऊपर भगवान बहुत कृपालु हैं, कृपण वत्सला। तो बोल रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूँ किससे, हे कृपण वत्सल, दुस्सह, ये असहनीय उग्र भयानक संसार चक्र से, इस बहुत ही असहनीय उग्र संसार चक्र से मैं डरता हूँ, आपके इस भयानक रूप से नहीं डरता। और इसमें क्या है, कदनात ग्रस्ताम, हाँ पे मैं फंस गया हूँ, सब जीव एक दूसरे जीव को खा रहे हैं, ईच वन इज डिवाउरिंग ईच अदर, है ना, उसमें आके मैं फंस गया हूँ, प्रणित है, मुझे फेंका गया यहाँ पे, बद्ध स्व कर्म भी, क्योंकि मेरे कर्मों का ये फल था, उच्चतम हे दुर्जय ते अंग्रिमूलम प्रीत अपवर्ग शरणम हे य कदाचु, हे से आप मुझे बुला लीजिए, मैं इस संसार चक्र में, उग्र संसार चक्र में फंस गया हूँ, हे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे बुलाइए कि ये प्रहलाद आओ मेरे चरणों की शरण लो, और ये चरणों की शरण से क्या होगा, अपवर्ग शरणम, इस भयावह भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे। प्रहलाद महाराज ये एस्पायर कर रहे हैं, भगवान कब मुझे आप बुलाएंगे, कब मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे, आओ मेरे चरणों में और इस उग्र संसार चक्र से छूट जाओ, मैं इस उग्र संसार चक्र से बहुत त्रस्त हूँ, बहुत पीड़ित हूँ, बहुत डरा हुआ। हम लोग रोज सुबह गाते हैं, संसार दावा नल लीलो का, ये संसार दावा नल के समान है। अब किसी घर में आग लगी हुई है और एक व्यक्ति आग में फंसा हुआ है, उसकी क्या हालत होगी, कमरे में आग लगी और व्यक्ति कमरे में है तो क्या करेगा, वो आराम से बैठ सकता है, भागेगा, भागने की कोशिश करेगा ना, और बाहर अगर फायरमैन भी है उसको जाएगा हेल्प करेगा, पुकारेगा उसको, भाग के जाएगा, ऐसा तो नहीं है, फायरमैन को उसको इंस्पायर करना पड़ा है, प्रभु आग लग रही है प्लीज़ बाहर आओ, है ना, देखो बाहर कितना ठंडा है, अच्छा लगेगा, जूस पिलाएंगे, प्लीज़ आइए ना बाहर, बाहर ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंस्पायर करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप भाग के आएगा। ये हम लोगों की हालत कैसी है, संसार दामनल है कि हम कंफर्टेबल हैं यहाँ, हमें इंस्पायर करना पड़ता है, प्रभु ये संसार दामनल है बाहर आओ, यहाँ अग्नि लग रही है, कितने लेक्चर सुनने पड़ते हैं, कितनी रीडिंग करनी पड़ती है,
बार बार सुनाना पड़ता है फिर भी नहीं मैं नहीं अभी अगली अरे नहीं प्रभु प्लीज़ तो जीव जागो जागो आग लगी हुई है जागो जागो अगर जल जाओगे नहीं नहीं सोने दो सोने भक्ति सिंह छोटा कुमार सुनाते ना दो सुस्तों की कथा इतने सुस्त थे अग्नि जल रही थी बोले तू तू उठिया देख क्या है ना अब दोनों जल के भस्म हो गए एक कह रहे थे बी क्या बैक बर्निंग लेकिन कोई उठ नहीं रहा था तो ऐसी हमारी हालत है ऐसा लेजीनेस है कंडीशन सोल का कि वहीं पे वो मस्त हो जाता है तो लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं त्रस्त हूँ मुझे डर लग रहा है इस संसार से मैं निकलना चाहता हूँ आप मुझे पुल कर लीजिए खींच लीजिए अपनी तरफ है ना तो आज के दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से पुल में पकड़ लो भगवान मुझे आप कृपण वत्सल हैं मैं कृपण हूँ मैं इतना पागल हूँ मुझे इस संसार में आनंद आ रहा है मैं त्रस्त नहीं प्रहलाद महाराज तो त्रस्त थे लेकिन मैं आप मुझे पुल कर लीजिए निकाल लीजिए यहाँ से और अपने चरणों की शरण दे दीजिए भगवान कैसे पुल करते हैं हम सबको भगवान ने पुल किया कि नहीं किया किया हम सब ऐसे ही थे शांति की खोज में आए थे भगवान ने पकड़ लिया भगवान ने कैसे पकड़ा भक्तों के माध्यम से भक्तों के सुंदर व्यवहार से भक्तों ने हमें हरे कृष्णा कहा प्रसाद से आकर्षित हुए कीर्तन से आकर्षित हुए डीटी से आकर्षित हुए फिलॉसफी से आकर्षित हुए कृष्णा पुल्ड अस कृष्ण सब हम सबको पुल किया है ना और यहाँ पे आए कृष्ण ने पुल किया और बाहर के लोगों ने हमें पुश किया ऑफिस में जाते थे संकट ये अरे वहाँ ज़्यादा अच्छा है कब शाम होगी जाएंगे भक्तों के बीच में नाचेंगे अच्छा लगेगा तो वहाँ से पुश होता था और भक्त लोग पुल करते थे ना तो ऐसे हम सब फंसे भगवान के चरणों की शरण मिले है ना जैसे एक बार ही अमेरिका में एक भक्त लोग जाते थे कॉलेज के बाहर कीर्तन करते थे और खिचड़ी बांटते थे और साथ में एक डोनेशन बॉक्स रख देते थे जिसको डालना डाल दो तो एक आता था व्यक्ति खिचड़ी खाता था लेकिन पैसे होते नहीं थे वो चीट करता क्या करता था बस के टिकट डाल देता था किसको मालूम कुछ डाला उसे निकाल के ऐसे लपेट के डाल देता था और रोज आता था खिचड़ी खाता था बस के टिकट डाल देता था अब चोर के मन में डर तो होता ही है तो एक बार खिचड़ी खा रहा था ऐसे आस पास देख रहा था तो एक व्यक्ति ने उसको बुलाया भक्त अंदर अरे पकड़ा गया आज बोले मैंने देखा आप रोज आते हो हाँ रोज आते हो बोले पकड़ेगा ये बोले आप रोज आते ही हो तो क्यों ना थोड़ी हमारी मदद करो ये खिचड़ी का बाहर रखवा दोगे जरा तो थोड़ा बोला ठीक है कोई बात नहीं यार खिचड़ी बाहर रखवा दो ठीक है फिर वो आने लगा उसने फिर भी वो डीट था पैसे नहीं डाले वो टिकट डालता रहा फिर आया भक्त एक आए वाला बोले आज पकड़ा गया बोले मैं देखता हूँ आप रोज आते हो बोले हाँ रोज आता हूँ फिर डर गया बोले अब आपके पास समय थोड़ा अंदर आओगे सब्जी कटवा दोगे ठीक है कटवा दे सब्जी भी काटना शुरू कर दिया फिर भी वो डीट था टिकट ही डाल जा रहा आज की रक्षा की ये बहुत बड़ा चमत्कार है उससे बड़े बड़ा चमत्कार है कि प्रहलाद महाराज के स्मरणम की रक्षा की है ना हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए हमारे भी स्मरणम की आप रक्षा करें जैसी भी परिस्थिति हो मैं आपका नाम लेता रहूं मैं भक्तों के संग में रहूं परीक्षित महाराज भागवत के प्रारंभ में बताया जाता है कि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी 7 दिनों में और 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई तो कोई बोलेगा क्या है इसमें कोई सस्पेंस ही नहीं है कोई क्लाइमैक्स ही नहीं आया भागवतम सुनने का लाभ तो ये होता श्रुतिफल ये होता कि हालांकि श्राप मिला था लेकिन भागवतम सुनने के बाद वो श्राप खत्म हो गया तब भया आया क्या बात है ना मृत्यु टल गई वाह ये बात हुई ना नहीं तो क्या फिर परीक्षित महाराज की रक्षा नहीं की भगवान ने रक्षा की नहीं की किस चीज़ की रक्षा की किस चीज़ की रक्षा की उनकी एब्जॉर्प्शन की सुनते रहे ध्यानपूर्वक कोई साधारण व्यक्ति को मृत्यु का नोटिस मिल जाए हमें मालूम चल जाए हमें कोई कैंसर का रोग होने वाला है कैसी स्थिति होगी हमारे अभी तो पता नहीं क्या हो कितने कितने हमें खबरें मिलती हैं हम कितना घबरा जाते हैं डर जाते हैं परीक्षित महाराज को श्रवण करते रहे पूरा एब्जॉर्ब रहे भगवान के चरणों में ये रक्षा है ना तो संसार तो नश्वर है ही इस संसार की किसी वस्तु के लिए इच्छा ना करके भगवान के चरणों में हम ले लगे रहें इसकी हमें एस्पायर इसके लिए एस्पायर करना चाहिए तो ये प्रहलाद महाराज की ये प्रार्थना थी इसके बाद जब प्रहलाद महाराज ने इतनी सुंदर प्रार्थनाएं की तो आगे हम और प्रार्थना नहीं देते तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए
और भगवान जब प्रसन्न हो गए तो भगवान ने प्रहलाद से बोला कि मैं आपसे इतना प्रसन्न हूँ। भगवान ने उनका गुणगान किया, बोले प्रहलाद मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, है ना, मैं आपसे कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि देखिए मैं पहले से ही असुर कुल में पैदा हुआ हूँ और मैं रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित हूँ, आप मुझे ऑफ़र मत दीजिए, मैं फिर से फंस जाऊँगा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक, मैं अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ये दीजिए, क्योंकि अगर कोई आपकी प्रार्थना करके आपसे कुछ लाभ मांगे वो तो वणिक के समान है। तो सेवक को स्वामी से कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और स्वामी को भी कुछ लाभ नहीं देने चाहिए सेवक को अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ये तो फिर बिजनेस हो गया। मेरा आपका संबंध केवल यही है कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप 7:10:7 पढ़ेंगे, यदि दास्यसी में कामान व यदि दास्यसी में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानाम हृदय सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। बोले वरदर्शभ, हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कुछ वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं ना रहें, बस मैं किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं चाहता। कितनी सुंदर प्रार्थना है। बोले क्योंकि ये भौतिक इच्छा जो रहती है ना, इससे मनुष्य के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, सत्य, निष्ठा सब समाप्त हो जाती है। इसलिए आप चाहते हैं तो मुझे इस भौतिक इच्छाओं मेरी समाप्त कर दीजिए। और फिर बाद में एक और प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मेरे पिता आपको अपना शत्रु मानते थे। तो भगवान ने क्या कहा, ये तो कहने की बात नहीं है, पिताजी क्या 21 पीढ़ियाँ तर गई, है ना। तो ये कह के नरसिंह भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तब सभी देवतागण आते हैं, खुश खुश आते हैं। और फिर ब्रह्मा जी बड़ी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी आपने हमारे कष्टों को दूर किया, तो सब सारे लोगों के पास ही आके भगवान का गुणगान करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं, देखो ऐसा वर दोबारा कभी मत है ना, जैसे शाम को दूध समाने पिलाने के समान है, असुर प्रवृत्ति के लोगों ने आपस में वर दे दिया, तो क्योंकि असुर बड़े क्रूर होते हैं, तो उस वर का उन्होंने गलत उपयोग किया। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ये हिदायत दी और उसके बाद भगवान अपने धाम चले गए। और सभी देवता गणों की फिर भगवान ने प्रहलाद महाराज को बोला कि तुम इस असुरों का राज्य करोगे एक मनवंतर तक, है ना, एक मनवंतर। एक मनवंतर की आयु है यानी 71 चतुर्युग। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं किस व्यक्ति को इतना बड़ा लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ भी देखा जाए तो जब कोई भगवान की सेवा में जुड़ता है तो हर प्रकार का उसको लाभ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। तो एक हालांकि प्रहलाद महाराज की कोई इच्छा नहीं थी, भगवान उनको बहा, लेकिन बोला भगवान ने बोला औपचारिकतावश सब नियमों का पालन करना, लेकिन हमेशा मेरा ध्यान करते रहना, मैं आपकी इसकी रक्षा करूँगा। और भगवान ने जाने से पहले ये भी बोला कि अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो। इससे मालूम चलता है कि संसार में रहते हुए भक्ति भी हम करते हैं तो औपचारिकतावश जो नियम हैं उसको हमें पालन करने चाहिए। तो बोले अब नियमवश ये आप राज्य भी करो लेकिन हमेशा मेरे स्मरण करते रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की और उनके सुंदर चरित्र है। और इसका जो श्रुति फल है सुनिए ध्यान से, कहाँ गया श्रुति फल, मार्कर चला गया कहीं पे। 1 sec 40, हाँ यस 44, नहीं नहीं यस। प्रहलाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे, जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकश्यप के वध तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नरसिंह देव की लीलाओं के से संबंध इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है। आप सबने अत्यंत मनोयोग से सुनी, यस आपका धन्यवाद। वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है
जहाँ कोई चिंता नहीं रहती है। हरि हरि तो अगर आप अंत में आज्ञा दें तो एक छोटी सी प्रार्थना हम बोल सकते हैं सब मिलके। आखिर की दो प्रार्थनाएं हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, ये हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ये पांचवें स्कंध की प्रार्थनाएं हैं और इसमें सब तैयार हैं बोलने के लिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेजस्तेजसे आविर्विभर्व व्रजनख व्रंजद्रष्टा कर्माश्रया अंध्रया रंध्रया तमोग्रसा ग्रसा ओम स्वाहा। अभयं भयतात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोमाम। इसका अनुवाद ये है कि मैं उस नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सभी शक्तियों के स्तोत्र हैं। ओ मेरे भगवान, जो कि आपके पास ये नख और जो दंत्र हैं जो कि वज्र के समान हैं, उनके द्वारा आप मेरे हृदय में जो आसुरिक इच्छाएं हैं और जो कर्मकांड करने की इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत में, उसको आप ध्वंस कर दीजिए अपने नाखूनों द्वारा, अपने दांतों द्वारा जो कि वज्र के समान हैं। मेरे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं, कर्मकांड करने की जो प्रवृत्तियां हैं, उसको आप पूर्ण रूप से ध्वंस कर दीजिए। कृपया मेरे हृदय में आप प्रकट होइए और जो भी अज्ञानता है अपनी कृपा से उसको दूर कर दीजिए, ताकि मैं निर्भीक बन सकूं इस संसार में रहते हुए। सुंदर प्रार्थना है। और इसके बाद अगली प्रार्थना है, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदता ध्यायं तु भूतानि शिवं विथोदया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवैश्यतां नो मतिरप्ययहेतुके। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है ये। प्रहलाद महाराज जी की मनोवृत्ति देखिए, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का उद्धार हो, सबके लिए शुभ हो, खला प्रसीदता, इस संसार में जितने द्वेषी लोग हैं सब शांत हो जाए। कितने द्वेषी लोग हैं संसार में, पॉपुलेशन काउंट हुई है? सभी द्वेषी हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं सभी द्वेषी हैं, जो भौतिक जगत में आया द्वेष से आया है, सब के सब शांत हो जाए। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोदया, सब लोग क्या ध्यान लगा रहे हैं, शिवम मिथोदया, एक दूसरे का भला कैसे करें, अपने बारे में ना सोचें, क्या सोचें, एक दूसरे का भला कैसे करें। मनश्च भद्रम भजता अधोक्षजे, ये मन शांत हो जाए अधोक्षज की भक्ति करके। आवेश्यताम नो मति अपे हत्यो कि हे भगवान, आवेश्यताम, मैं पूरा एब्जॉर्ब हो जाऊं, मेरी मति पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, लीन हो जाए, लग जाए आपकी अहेतु की भक्ति में। कौन कौन सी चार बातें मांग रहे हैं? पहला क्या कह रहे हैं, पूरे विश्व का कल्याण हो। दूसरा, सारे द्वेषी जीव शांत हो। तीसरा, एक दूसरे के भले के बारे में सोचें। चौथा, मन हमारा शांत हो जाए, ताकि हमारा मन आपकी अहेतु की भक्ति में एब्जॉर्ब होकर शांत हो जाए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सबसे जो द्वेषी जीव होता है वो सांप होता है। सांप को तो मंत्रों से आप शांत कर सकते हो, लेकिन द्वेषी जीव को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। तो कैसे होगा, प्रचार करके। जब हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा, लोग भक्ति में जुड़ेंगे। भक्ति में जुड़ने से क्या होगा, उनका द्वेष कम होगा। द्वेष कम होगा, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में ना सोच के एक दूसरे के लाभ के बारे में सोचेंगे, तो पूरे विश्व का कल्याण होगा और द्वेषी जीव सब शांत हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, हर कोई अपने लाभ के बारे में सोचेगा तो दूसरे से द्वेष करता रहेगा, और दूसरे से द्वेष करेगा तो कोई भी शांत नहीं रहेगा, तो विश्व का कल्याण नहीं हो पाएगा। कितनी सुंदर भावना है। तो इस श्लोक को हम याद कर सकते हैं आज नरसिंह जयंती के दिन, और इस श्लोक को, ये हमारे पूरे मिशन स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। प्रभुपाद जी का भी यही भाव है, इसके ऊपर बहुत कुछ बोला सकते हैं, टाइम हो गया। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है, हरि विलास में बहुत सुंदर कथा आती है, दो मिनट, चार पाँच मिनट लूँगा, लेकिन बहुत लाभदायक होगा हम सबके लिए।
कि नरसिंह भगवान जी से प्रहलाद महाराज ने पूछा कि मैं आपकी इतनी ऐसी अच्छी आप मैं आपको इतना प्रिय क्यों हूँ, मेरे में तो कोई गुण है नहीं। तो नरसिंह भगवान ने कहा कि पिछले कल्प में आपसे अज्ञानता में एक बहुत सुंदर कार्य हो गया था। क्या था? पिछले कल्प में आप एक ब्राह्मण के पुत्र थे अवंतीपुर में। ब्राह्मण का नाम था वसु शर्मा। उसके 5 पुत्र थे, आप सबसे छोटे पुत्र थे। आपका नाम था वसुदेव। थे बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे, सभी शास्त्रों में निपुण थे, सभी धर्मों का पालन करते थे। लेकिन आप सबसे छोटे पुत्र बड़े बिगड़े हुए थे। आप नशा करते थे और एक वैश्या से आसक्त हो गए। आप किसी आपने कोई शास्त्र नहीं पढ़ते थे, अपनी मनमानी करते थे और वैश्या के साथ ही रहते थे, सभी वैश्या की बातों को मानते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वैश्या से आपका झगड़ा हो गया। तो झगड़े में आप दोनों अलग अलग हो गए और क्या किया, आपने खाना पीना बंद कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दी। ना आपने कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ बातचीत की और उदास होकर पूरी रात आप जागते रहे। लेकिन वो रात वो दिन क्या था, नरसिंह चतुर्दशी का दिन। हाँ, नरसिंह चतुर्दशी के दिन से, क्योंकि आपने अनजाने में ये व्रत कर लिया। इस दिन की ये इतना सुंदर इतना शक्तिशाली दिन है कि यहीं से ब्रह्मा जी को सृजन करने की शक्ति प्राप्त होती है, शिव जी को संहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। इतनी सुकृति आपकी इकट्ठी हो गई कि आप मेरे महान भक्त बन पाए। वो जो वैश्या थी उसको मैंने उन्नति कर दी, उसकी अप्सरा बन गई वो ऊंचे के लोक में जाके। और अप्सरा बनने के बाद फिर उसको मेरे भक्तों का वहाँ संग मिल के फिर वो मेरे धाम में आएगी। लेकिन तुम सीधा मेरे धाम में आ गए। तो ये है नरसिंह चतुर्दशी के दिन व्रत का महात्म्य। तो आज के उन्होंने बोला कि इस नरसिंह चतुर्दशी का बहुत विस्तार में वर्णन किया कि कैसे इस व्रत को रखना है। बोला खाना पीना कोरा पूरा व्रत और उसके बाद पूरा दिन भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहें, सुनते रहें, नहीं तो मन इधर भटकेगा। वो तो कह रहे हैं रात्रि का जागरण करो, ये सब को लेकर जितना हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें, जिसका स्वास्थ्य अलाउ करता है। जिसका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता अगर कुछ पानी पीना चाहे पी लें। लेकिन मुख्य कार्य क्या है, भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करें, अधिक से अधिक जप करें, प्रजल्पा ना करें, नो प्रजल्पा कोई उस दिन वो चुप रहे, हालांकि बिगड़े हुए थे लेकिन बिल्कुल शांत रहे, नाराज थे जैसे भी थे लेकिन उनको पूरा लाभ प्राप्त हुआ। तो नरसिंह भगवान बहुत कृपालु हैं, कृपण वत्सल। जो गिरे से गिरा व्यक्ति है उसके ऊपर भी कृपा करते हैं, और हमें क्या चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान ने केवल प्रहलाद महाराज की इच्छाओं को पूरा किया। आप सब जानते हैं मायापुर में हमारे उग्र नरसिंह जी हैं, कितनी ही कथाएं हैं कि नरसिंह भगवान के पास गए और भक्तों की इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया। एक कथा है 1996 में एक माता जी थी नरसिंह भगवान के लिए, उनके पास भगवान आए, बोले मुझे आम खाने। तो माता जी आम लाई और आम लेके दिए। फिर क्या हुआ 1996 में फरवरी के महीने में इस होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज का तिरोभाव हो गया। वो भागवतम की क्लास दे रहे थे, उसी में सुबह सुबह उनका तिरोभाव हो गया। तो सब लोग बड़े शोक में चले गए। तो उसके बाद ही माता जी दोबारा आई पंकज आंगरे प्रभु के पास, बोले मैंने अपना सपना पूरा नहीं बताया था। नरसिंह भगवान मेरे सपने में आए थे, आम मांगे थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने पुजारी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। तो माता जी बोला नहीं 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 पुजारी को मत ले जाइए अभी। तो बोले ठीक है पुजारी को नहीं, आप में से किसी इस्कॉन से इस यहाँ के किसी गुरु को ले जाऊँगा। तो फिर क्या किया उन्होंने, गौर गोविंद स्वामी महाराज को ले गए। तो ये है नरसिंह भगवान जी, तो बहुत पावरफुल है। ऐसे वहाँ थे भाव सिद्धि प्रभु, उन ब्रह्मचारी थे, उनको सेवा मिली, नरसिंह भगवान की पूजा करनी है। लेकिन नरसिंह भगवान का रूप देखकर डरते थे, डरते डरते पूजा करते थे। तो एक बारी रात्रि श्रृंगार करके बंद किया दरवाज़ा, भाग रहे थे, जोर सी आवाज़ आई, फिर डर गए और डरते डरते अपने कमरे में चले गए। और जब सो रहे थे रात को देखा उनका पूरा वो बंकर पे सोते थे, ऊपर वाले बंकर हिल रहा है जोर जोर से, आंखें खुली, भगवान नरसिंह देव। बोले डरते क्यों हो मेरी पूजा में, डरा मत करो। देखा कि गायब हो गए, उनकी हालत वो शॉर्ट पैंट्स में थे खाली, उछले पूरे बेड से, पागलों की तरह चिल्लाने लगे। क्या लोगों ने पागल का दौरा पड़ गया, क्या हुआ भाई, क्या बोले नरसिंह भगवान ये वो करके और गए वहाँ पे आके प्रणाम कर दिया। काफ़ी देर तक होश में नहीं आया, उन लोगों ने क्या है कपड़े भी नहीं डाले, वैसे उछल रहा है क्या कर रहे हैं।
और फिर उसने दिखाए कंधों पे नाखूनों के निशान थे। अरे डरो मत, मेरी पूजा करो, प्रेम से करो। तो ये है नरसिंह भगवान जी, है ना। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, और हम सब तो और भी सौभाग्यशाली हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में नरसिंह भगवान जी दिल्ली में प्रकट होने वाले हैं। कहाँ पे? रोहिणी मंदिर में। तो क्या करना चाहिए आज के दिन? प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें शक्ति दें, जल्दी से जल्दी इस मंदिर को हम निर्माण करें, जल्दी से जल्दी आप प्रकट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा में जुड़ें, तन से, मन से, धन से, ताकि मंदिर जल्दी बने, भगवान को हम प्रकट कर सकें अपनी सेवा के माध्यम से, और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलम प्रसीदता। नरसिंह भगवान से हमें प्रार्थना कर रही है, पूरा विश्व का कल्याण हो। प्रभुपाद जी के जो मंदिर हैं, ये पूरे मरुस्थल में मरुद्यान के समान है, डेजर्ट में ओएसिस के समान है। संसार में लोग इतने प्रताड़ित हैं, जो हमारे मंदिरों में आते हैं उनको राहत मिलती है, आशा की किरण दिखाई देती है। तो नरसिंह भगवान इतने जीवन में हमारे विघ्न हैं, कष्ट हैं, सबका वो नाश करेंगे और हमें भक्ति करने की और दृढ़ता प्राप्त होगी। प्रहलाद महाराज का चरित्र इतना उत्कृष्ट है, जिसको सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जाते थे गधर पंडित के पास दोपहर में। 100 से भी अधिक बार चरित्र सुना प्रहलाद और ध्रुव का। तो जितना इस चरित्र को हम समझेंगे, सुनेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, भक्ति में हमारी दृढ़ता बढ़ेगी। तो आज के दिन हम खूब प्रार्थनाएं करें। ये जो प्रार्थनाएं हैं, हमने तो खाली 5-6 प्रार्थनाएं पढ़ी, आगे बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मुझे भक्तों के संग में रहना है, मुझे अभी आपके साथ नहीं जाना, मैं भक्तों के संग में उनका सेवक बन के रहना चाहता हूँ, मैं भक्तों के संग में आपका श्रवण करना चाहता हूँ, आपकी कथाओं का, लीलाओं का। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं इसको आज हम पढ़ सकते हैं, और इसका श्रुतिफल अलग से है, इन प्रार्थनाओं का अलग श्रुतिफल है और कथा का अलग श्रुतिफल है। तो कृपा बट रही है, बरस रही है, हमें बस भक्तों के संग में रह के इस कृपा को लूटना है और अपना उद्धार करना है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सब्र के साथ सुना और मेरा उत्साह बढ़ाया, जो कथा में कमी रह गई उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और हम सब मिलकर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो। प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करें कि जैसे प्रहलाद महाराज हर परिस्थिति में दृढ़ रहे, वैसे हम भी हर परिस्थिति में दृढ़ रहे, और भगवान इसी ढंग से रक्षा करते हैं कि हर परिस्थिति में हमसे हरिनाम छोड़ें और भक्तों का संग ना छोड़ें, चाहे भक्त हमें पुल करें या पुश करें, डेस्टिनेशन हमारा एक ही है कि हम भगवान के चरणों में जाएं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति सर्व विघ्न नाशक नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, हृदय गौर प्रेम आनंदे।